आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज शनिवार दिनांक 20 मार्च 2021 YouTube और Facebook लाइव। आज का अपना विषय है प्रबोधनकार ठाकरे ब्राह्मणों से नफरत करते थे, प्रबोधनकार ठाकरे पार्ट टू। महार के घर चाय पिया और गजब हुआ। दादाजी ने गया के पंडे को सबक सिखाया, प्लेग की देवी की नशा उतार दी। क्या वे दैवी संचार पर विश्वास करते थे? इन सवालों का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। मित्रों, प्रबोधनकार जी ठाकरे जी की माझी जीवन गाथा नाम की किताब है, उन्होंने खुद लिखी है। ये इनका आत्मवृत्त है। करीबन 510 पेजेस का है, बड़ा किताब है एकदम। तो ये प्रबोधनकार जी ठाकरे जी की माझी जीवन गाथा, इससे हम शुरुआत कर रहे हैं। उनके चरित्र का जो हिस्सा है उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। सामाजिक कार्य के लिए जितना आवश्यक है उतना ही चरित्र मैं आपके सामने रखते जाऊंगा, लेकिन उनके सामाजिक कार्य का हिस्सा, जिसके कारण प्रबोधनकार प्रबोधनकार है, उनके विचारों का हिस्सा इसको ज्यादा तरजीह दूंगा, इसको ज्यादा महत्व दूंगा। केशव सीताराम जी ठाकरे, जन्म उनका हुआ 17 सितंबर 1885 में, यानी 19वां शतक खत्म होने के 15 साल पहले, 17 सितंबर 1885। और मृत्यु हुई 20 नवंबर 1973, 88 साल की उम्र उन्होंने जी है। उनके जो पिताजी थे उनका नाम था केश पनवेलकर, सीताराम जी पनवेलकर। हालांकि उनका ओरिजिनल जो नाम था दादाजी का, वो धोड़पकर लिखते थे, क्योंकि ठाकरे जी के पूर्वज जो थे वो धोड़प के किलेदार थे, इसलिए धोड़पकर नाम का उपयोग करते थे। लेकिन जब दादाजी पनवेल रहने आए तो पिताजी ने पनवेलकर कर नाम रखा था, लेकिन केशव जी का नाम स्कूल में रखते वक्त उनका ओरिजिनल जो नाम है ठाकरे, ये नाम उन्होंने स्कूल में दर्ज किया, इसलिए हम केशव सीताराम ठाकरे जी के नाम से उनको जानते हैं। पिताजी का सरनेम पनवेलकर, क्योंकि वो पनवेल में रहते थे। दादाजी का सरनेम, या फिर उनके ऊपर के बाकी पीढ़ियों का कुछ सालों तक का सरनेम था धोड़पकर, क्योंकि वो धोड़प के किले के पूर्व, यानी किलेदार थे, किले के प्रमुख थे। और उसके पहले उनका ओरिजिनल नेम था ठाकरे, इसलिए ठाकरे नाम आया। जो धोड़पकर नाम शुरू हुआ पूर्वज का, ये धोड़पकर किला पाली रायगढ़ जिले में है। कृष्णा जी माधव, उन्होंने अपना नाम धोड़पकर शुरू किया और काके आगे कुछ पीढ़ियों तक ये नाम चलता रहा। केशव सीताराम ठाकरे जी को दो भाई थे, एक विनायक राव और दूसरे यशवंत। उनकी शादी रमाबाई ठाकरे से हुई, वे विदर्भ की थी। उनको टोटल 8 बच्चे हुए, यानी केशव सीताराम जी ठाकरे जी को 8 बच्चे हुए। उसमें एक बाला साहब जी ठाकरे, दूसरे श्रीकांत जी ठाकरे, जो श्रीकांत जी ठाकरे है वो राज ठाकरे के पिताजी है, फिर रमेश जी ठाकरे, ये 3 भाई, प्रभावती टिपणिस, सरला गडकरी, सुशीला गुप्ते, संजीवनी करंदीकर, ये 4 बहनें, और एक भाई की बहुत पहले ही डेथ हो चुकी थी, इसलिए उनके नाम का ज्यादा कहीं उल्लेख आता नहीं है।
केशवराव जी के पिताजी जब वे 7 साल के थे, तब वो 1902 में, 1902 में प्लेग की बहुत बड़ी साथ आई थी, उसमें वो गुजर गए थे। उनकी जो शिक्षा हुई यानी एजुकेशन हुआ, वो कल्याण में हुआ, बारामती में हुआ, फिर मध्य प्रदेश में देवास में हुआ, मुंबई में हुआ, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में भी वे सीखे हैं, लेकिन यहीं से सीखे हैं। अभी उन दिनों में सभी की जातियों के बारे में बोला जाता था, इसलिए इनके जाति के बारे में भी बोला जाता है, वो सीकेपी थे, चांद्र सेनीय कायस्थ प्रभु ऐसा कहा जाता है। ये जात ब्राह्मणों के बराबरी की जात है ऐसा माना जाता है, लेकिन ये जाति का श्रेष्ठत्व अपने या दूसरों के जाति का श्रेष्ठत्व हमेशा उन्होंने अपने जीवन में नकारा है। वो जात विरोधी काम करते रहे हैं, अस्पृश्यता विरोधी काम करते रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान ब्राह्मणेतर मूवमेंट में है। महाराष्ट्र में ब्राह्मणेतर मूवमेंट बहुत ताकतवर रही है। ब्राह्मणेतर मूवमेंट यानी ब्राह्मणों के खिलाफ मूवमेंट, ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ मूवमेंट, जिसमें ब्राह्मण जाति के लोग छोड़कर बाकी लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा होते थे और उसके खिलाफ आंदोलन करते थे। हालांकि ये ब्राह्मणेतर मूवमेंट ब्राह्मणों का विरोध कर जाति व्यवस्था को नकारना चाहती थी। महाराष्ट्र में ये बहुत ताकतवर थी। वैसे इसकी शुरुआत फुले जी से हुई, शाहू जी उसका हिस्सा थे, और शाहू महाराज और प्रबोधनकार जी ठाकरे, आगे चलकर उनका नाम प्रबोधनकार हुआ, अभी प्रबोधनकार नहीं था, केशवराव ही था, वे मिलकर इस मूवमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। दहेज विरोधी क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग पद्धति से उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया, उसके ऊपर मैं विस्तार से ये बातें आपके सामने रखने वाला हूं। और आखिरी में महाराष्ट्र में मुंबई प्रांत था, उसमें गुजरात का कुछ हिस्सा था, महाराष्ट्र का आज के कुछ हिस्सा था, विदर्भ था वो सीपीएन बेरार था, और हैदराबाद था उसमें मराठवाड़ा का हिस्सा था। तो ये मराठवाड़ा का जो हिस्सा है, विदर्भ का जो हिस्सा है, और मुंबई कोंकण का हिस्सा मिलाकर एक महाराष्ट्र बनाने की जो एक मूवमेंट चली महाराष्ट्र में, जिसको संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ कहा जाता है, उसका वो नेतृत्व करने वाले लोगों में से एक प्रधान व्यक्ति थे। तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सामाजिक जीवन में रहा है, उसके बारे में ही हम बहुत कुछ समझेंगे जानेंगे। उनको प्रबोधनकार नाम ये मिला क्योंकि वो एक प्रबोधन नाम का बहुत ही इफेक्टिव फोर्टनाइटली चलाते थे, जो हर 15 दिन के बाद प्रकाशित होता था। इसकी शुरुआत मुंबई से हुई, 1921 में इसकी शुरुआत हुई। वे बहुत अच्छे वक्ता थे, उसी के साथ में बहुत प्रभावी लेखक थे। उनकी जो बुक्स प्रसिद्ध है, तो मैंने पहले बुक का नाम आपके सामने रखा है, माझी जीवन गाथा। सभी किताबें मराठी में हैं, कुछ एक-आध दूसरी इंग्लिश में है, इंग्लिश पर भी उनकी बहुत अच्छी कमांड थी। ग्रामण्याचा इतिहास, भिक्षुक शाहीचे बंड, कोदंडाचा टणत्कार, दगलबाज शिवाजी, ये दगलबाज शिवाजी नाम की किताब प्रसिद्ध हुई। हालांकि उनका दगलबाज शिवाजी नाम का व्याख्यान था, शिवाजी को उन्होंने दगलबाज कहा। शिवाजी के प्रति महाराष्ट्र में बहुत आदर है, सही माने में वो बहुत बड़ा महान राजा है। मेरा जितना इतिहास का ज्ञान है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इतिहास में उनका बराबरी का, उनकी जैसा लोगों की चिंता करने वाला, अपनी प्रजा की चिंता करने वाला, इतने अच्छे सुधार करने वाला दूसरा नाम मुझे मालूम नहीं। राम राज्य की जो कल्पना की जाती है,
ये राम राज्य था नहीं था, हो सकता था नहीं हो सकता था, इसके बारे में काफी बहस हो सकती है। लेकिन जो गांधी जी को राम राज्य की कल्पना लगती थी, वो कल्पना अमल में सही माने में लाने का प्रयास शिवाजी महाराज ने किया था। शिवाजी महाराज पर मैं बहुत विस्तार से बोला हूं, शिवाजी महाराज पर कुछ व्याख्यान उपलब्ध है YouTube चैनल पर, श्याम मानव चैनल पर आप सुन सकते हो, एक अलग शिवाजी आपको सुनने को मिलेगा। और ऐसे शिवाजी को, जिन शिवाजी महाराज के प्रति पूरे महाराष्ट्र में बहुत प्रेम है, बहुत आदर है, उनको दगलबाज ये हेडिंग देकर वो व्याख्यान दिए। तो ये व्याख्यान का टाइटल सुनकर ही माहौल में हलचल मच जाती थी, लोग चिढ़ जाते थे। लेकिन भाषण सुनने के बाद में वो दगलबाज ये शब्द का क्यों उपयोग करते हैं, उसके बाद में सब वातावरण फिर से बदल जाता था। तो ये किताब बाद में प्रसिद्ध हुई, दगलबाज शिवाजी करकर, लेकिन उन्होंने शिवाजी का कहीं अपमान नहीं किया है। शिवाजी का सही माने में महत्व लोगों के सामने रखा है। उनकी और एक किताब है, देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळ, जो बहुत प्रसिद्ध किताब है। उस पर मैं स्वतंत्र एक व्याख्यान आपके सामने दे सकूं, इतने महत्व का वो विषय है। उन्होंने भाषांतर किया हिंदू जनांचा ऱ्हास आणि अधःपात, इस किताब का, ये भी किताब बहुत महत्व की है। शनि महात्म्य किताब लिखी, शेतकऱ्यांचे स्वराज्य किताब लिखी। उन्होंने जो कुछ नाटक लिखे और वो नाटक काफी महाराष्ट्र में उनके बहुत प्रयोग हुए, वो भी एक सामाजिक बदलाव का प्रबल हथियार कहकर उन्होंने उपयोग में लाया। उसमें एक खराब ब्राह्मण, जिसको काफी महाराष्ट्र में विरोध हुआ, उसके खिलाफ काफी लोग खड़े रहे और उसमें से एक मूवमेंट तैयार हुई। संगीत विधि निषेध, टाकलेल पोर, संगीत सीता शुद्धि, सीता शुद्धि ये नाटक के कारण भी काफी हलचल महाराष्ट्र में मची। उन्होंने चरित्र लिखा है संत गाडगे बाबा का। प्रबोधनकार, उनका एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं था, वो वकील नहीं बन पाए, लेकिन कई विषयों पर उनकी बहुत अच्छी कमांड थी। इंग्लिश पर भी कमांड थी, मराठी पर भी कमांड थी। महाराष्ट्र में एक विद्वान करकर माने जाते थे, प्रबोधनकार करकर माने जाते थे। और गाड़गे बाबा, जो एक क्लास भी नहीं पढ़े हैं, जो लिख भी नहीं सकते हैं, ऐसे एक बाबा का चरित्र उन्होंने लिखा। यानी इतने बड़े सामाजिक क्षेत्र के एक वक्ता ने, लेखक ने, पूरा महाराष्ट्र जिन्हें एक प्रबोधनकार करकर जानता है, एक विद्वान करकर जानता है, ऐसे व्यक्ति ने एक अनपढ़ बाबा का चरित्र लिखा, संत गाड़गे बाबा का। अब संत गाड़गे बाबा के बारे में मैं हमेशा आपके सामने बोलते आया हूं, इसलिए अभी स्वतंत्र वहां उसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं। फिर जब शिवसेना शुरू हुई तो मार्मिक नाम का वीकली शुरू हुआ। उस मार्मिक नाम के वीकली में उठ मराठा उठ, इस नाम से उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे हैं, वे भी स्वतंत्र प्रसिद्ध हुए हैं। तो इस ढंग से ये उनका साहित्य उपलब्ध है। जब महाराष्ट्र शासन में युति का राज्य आया था, मनोहर जी जोशी मुख्यमंत्री बने थे, तब महाराष्ट्र की ओर से, महाराष्ट्र की शासन की ओर से ये किताबें प्रसिद्ध हुई है, इसलिए सभी इजीली अवेलेबल है। पत्नी रमाबाई जो है उनके, वो 1943 में वे गुजर गई और उसके बाद में उन्हें अकेले जीवन बिताना पड़ा और सारा का सारा जीवन उन्होंने अपने सामाजिक कार्य में खर्च कर दिया। क्या प्रबोधनकार ब्राह्मणों से नफरत करते थे? प्रबोधनकार जी की पहचान ही ब्राह्मण विरोधी करकर बहुत ज्यादा है, प्रखर पहचान है। उनकी भाषा बहुत प्रखर होती थी, मुखर होकर वो बोलते थे, इसलिए कई लोग उनको
ब्राह्मण विरोधी मानते। आगे चलकर प्रबोधनकार जी ठाकरे ब्राह्मणेतर मूवमेंट के प्रखर प्रचारक रहे। ब्राह्मण्य पर, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के अहम पर वो कड़े प्रहार करते थे। उनके पूरे जीवन में ज्यादातर समय ब्राह्मण वर्ग के साथ उनका संघर्ष चलता रहा। ब्राह्मण समुदाय भी बड़े पैमाने पर इकट्ठा आकर उनका विरोध करता रहा। खास करके पुणे के ब्राह्मणों के साथ में उनका संघर्ष बहुत कड़ा रहा है, मुखर संघर्ष रहा है। लेकिन जब उनको पूछा जाता है कि वो ब्राह्मण विरोधी है क्या, तो वे खुद क्या कहते हैं वे भी हम समझ लेंगे। और वो ब्राह्मण विरोधी जो बने, उनका काम जो ब्राह्मण विरोधी बना वो क्यों बना, उसके पीछे के कारण क्या है, उनके अनुभव क्या है, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी ये उनका जो कार्य का समय है, ये सब 20वीं शताब्दी के शुरुआत का समय है, ये हमने समझ लेना चाहिए। प्रबोधनकार जी ठाकरे कहते हैं, मैं ब्राह्मणों का द्वेष करता हूं ऐसी अफवाह मत्सर करने वाले ईर्ष्यालु बम्मनों ने फैलाई। ये ब्राह्मण शब्द से ज्यादा बम्मन शब्द का उपयोग करते थे। नकली, झूठे, दंभ से भरे ब्राह्मणों का मैं खास द्वेष करता हूं, नफरत करता हूं, और ऐसी नफरत सब व्यक्तियों ने करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। ये वाक्य मैं फिर से दोहराऊंगा, नकली, झूठे, दंभ से भरे यानी जाति अहंकार से भरे ब्राह्मणों का मैं खास द्वेष करता हूं, नफरत करता हूं, और ऐसी नफरत हर व्यक्ति ने करनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जो सच्चा ब्राह्मण है वो मुझे पूजनीय है। मेरे कई मित्र ब्राह्मण हैं। अब ये बात सही है कि प्रबोधनकार ठाकरे जी का जो मित्र मंडल था उसमें ब्राह्मणों की संख्या काफी थी, मुस्लिमों की संख्या थी, ब्राह्मणों की संख्या थी, अलग अलग जाति के लोगों की संख्या थी। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी से भी उनके बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन उनमें ब्राह्मणों की संख्या काफी थी। उनके आंदोलन में भी ब्राह्मणों की संख्या काफी थी। वे आगे चलकर कहते हैं कि जन्म से कोई किसी की नफरत नहीं करता है, अनुभव से, हमारे जीवन के अनुभव से हम तय करते हैं किसकी नफरत करे किसकी ना करे। फिर वो अपने स्कूलों के समय का, उनकी स्कूल के समय का यानी 19वीं शताब्दी का आखिरी का हिस्सा और 20वीं शताब्दी का शुरुआत का हिस्सा, मेरे स्कूल के समय में ब्राह्मणी वर्चस्व काफी था। पेशवाई के कारण चित पावन ब्राह्मणों को जो महानता प्राप्त हुई वो हम अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ था। अब पेशवाई तो पूरी तरह से ढह गई थी, खत्म हो गई थी, लेकिन पुणे में जो पेशवाई का विस्तार हुआ, पहले जन्म हुआ ऐसा कहेंगे, यानी शिवाजी राजा के वो पेशवा थे। शिवाजी राजा के पेशवा आगे चलकर खुद राजा बन गए, शिवाजी के वंशज उनसे कम महत्व के बन गए, और फिर आगे चलकर हम सभी इतिहास को जानते हैं, पराक्रमी भी थे, दिल्ली तक जाकर अटके पार झंडे फहलाए हैं, ये सभी पेशवाओं के जमाने में भी हुआ है। तो पेशवाओं का काफी अहम बढ़ गया, जाति व्यवस्था को पेशवाई में बहुत महत्व प्राप्त हुआ,
और ये चित्पावन ब्राह्मण थे, इसलिए चित्पावन ब्राह्मणों को बहुत महत्व प्राप्त हुआ, उनको महानता प्राप्त हुई, और हम बहुत महान हैं ये अहम अभी तक उनका गया नहीं था। ब्राह्मणों के अलावा बाकी जो सब लोग हैं, किसी भी जाति के हो, वो जन्म से, कर्म से, संस्कृति से, उन सबसे हम श्रेष्ठ हैं ऐसा वे मानते थे, यानी ब्राह्मण वर्ग मानता था। बाकी लोगों के साथ में वो अस्पृश्य जैसा बर्ताव करते थे, और ये अपने जीवन में, स्कूल के जीवन में बहुत नजदीक से प्रबोधनकार जी ने देखा। उन्होंने स्कूल का एक उदाहरण दिया है। एक ब्राह्मण मित्र के घर वो गए, उनको प्यास लगी, उन्होंने पानी मांगा। अब हालांकि प्रबोधनकार ठाकरे खुद सीकेपी थे, ये जात ब्राह्मणों के समकक्ष मानी जाती है, समान दर्जे की मानी जाती महाराष्ट्र। इसके बावजूद उस ब्राह्मण लड़के ने लोटे में पानी लाया, ग्लास में पानी नहीं लाया, लोटे में पानी लाया, और ये लोटा या कोई बर्तन पानी पीने के लिए नहीं दिया, उल्टा उसके हथेली पर डाला और हथेली से उनको पानी पीना पड़ा। और तब अंदर से ये ब्राह्मण लड़के की मां चिल्लाई कि वो लोटा वहीं पर रख दे, उसको घर के अंदर मत लेकर आ, मैं बाद में उस पर पानी डालकर पवित्र कर घर के अंदर ले लूंगी। यानी ये एहसास पहुंचाया गया प्रबोधनकार ठाकरे, तब प्रबोधनकार ये नाम नहीं था, केशवराव जी ठाकरे के पास, उन तक कि आप अपवित्र हो, हमारे समकक्ष नहीं, आपका स्पर्श नहीं चलेगा। अब लोटा हाथ में था ब्राह्मण लड़के के, ब्राह्मण लड़का उस पर हथेली पर डाल रहा था पानी, एक्चुअली उस लोटे का स्पर्श तो प्रबोधनकार से नहीं हुआ, केशवराव जी से नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद मां अंदर से चिल्लाती है कि लोटा वही रख दो, बाद में पानी डालकर उसको पवित्र कर मैं अंदर ले लूंगा। ये उनके लिए बहुत झटका था। लेकिन दूसरी तरफ केशवराव बहुत मजाक किया करते थे, विनोदी स्वभाव था, तो अपने मित्रों की इस पवित्रता की कल्पना, जिसको मराठी में सोवळा कहा जाता है, ये सोवळे की बहुत खिल्ली उड़ाते थे। दूसरा उदाहरण है उनका ब्राह्मण बेलिफ, यानी मित्र के ऑफिस का मित्र, पिताजी के ऑफिस में जो काम करते थे पिताजी, उनका एक मित्र उनके यहां भोजन के लिए बुलाया गया। अब वैसे देखा जाए तो वो मित्र और पिताजी दोनों समकक्ष थे, लेकिन यो बाब या ये ब्राह्मण मित्र के यहां भोजन के लिए जाने के बाद में उन्होंने देखा कि सब ब्राह्मणों की पंगत अलग है, केशवराव जी के पिताजी को और केशवराव जी को अलग से दोनों को बिठाया है कुछ दूर डिस्टेंस पर, और तीसरा एक भालेराव नाम का कारकुन था जो दूसरा मध्यम जाति का था, उसको तो और भी दूर बिठाया। जो स्त्रियां उनको परोसती थी वो दूर से परोसती थी, इस ढंग से परोसती थी कि उनके कोई भी चीज का स्पर्श केशवराव और उनके पिताजी के थाली के साथ में ना हो। रोटी भी दूर से फेंकेगी, सब्जी भी दूर से डालेगी, खाना हो गया, खाने के बाद में जब पिताजी अपनी थाली उठाने लगे और उसके झूठन को साफ करने लगे तो केशवराव चिढ़ कर बोले, ये क्या आप कर रहे हो, ये ब्राह्मण लोग हमारे जैसे हमसे जैसा व्यवहार करते हैं वैसे ही हमने उनके साथ भी व्यवहार करना चाहिए। तब ये स्कूल में जाने वाला लड़का, लेकिन ये असम्मान
और ये असमानता सहन नहीं कर पाए। शुरुआत से ये बातें उनके स्वभाव में थी, जबकि उनके पिताजी काफी चीजें सह लेते थे। आगे चलकर वो कहते हैं, केवल ब्राह्मणों को इसके लिए दोष नहीं देते हैं, बम्मन क्या और बाकी क्या, सारे जाति भेद के कल्पनाओं के गुलाम थे। बम्मन भी और बाकी जाति के लोग भी ये जाति भेद की जो कल्पना है उसके गुलाम थे। हम ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं ये ब्राह्मणों को समझ में नहीं आता था, और ऐसा अपमानजनक व्यवहार हम क्यों सहन करते हैं ये बाकियों के भी समझ में नहीं आता था। ऐसी अवस्था उन दिनों में थी, लेकिन ये सहन करने की क्षमता केशवराव जी के पास नहीं थी। वे अपने जीवन में किसी के साथ में कभी असमानता का व्यवहार उन्होंने नहीं किया, और अपने साथ होने वाला असमानता का व्यवहार भी कभी उन्होंने सहन नहीं किया। आगे चलकर वे कहते हैं कि लेकिन मेरे मित्रों में ब्राह्मण मित्रों की संख्या हमेशा ज्यादा रही। क्यों ज्यादा रही है उसका कारण भी वो आगे देते हैं। समय के अनुसार बदलाव करने की क्षमता, यानी समय के अनुसार खुद में बदलाव करने की क्षमता और दूसरों के गुणों का सम्मान करने की उदारता ब्राह्मणों में ज्यादा होती है, ये इसके पीछे का कारण है। इसलिए मेरे काफी मित्र ब्राह्मण रहे। ये दो गुणों का वो वर्णन करते हैं। पहला गुण है समय के अनुसार खुद में बदलाव करने की क्षमता, और दूसरा दूसरों के गुणों का आदर करने की क्षमता और उदारता। ये दो गुणों का जो ब्राह्मणों में उन्होंने देखे उसकी वो तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं तो कहते हैं इस कारण ब्राह्मण मित्र मेरे ज्यादा रहे। उनके आंदोलन में बड़े पैमाने पर ब्राह्मण मित्र शरीक होते गए हैं, उनका साथ देते गए। गया के पंडे को उन्होंने कैसे सबक सिखाया, हालांकि ये उदाहरण उन्होंने देखा है। उनके जो दादाजी थे वो काफी जाने माने थे, लोग उनको बहुत मानते थे, लोगों के मन में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। और फिर दादाजी के साथ में वो गए गया में। गया एक तीर्थस्थल है, और इस तीर्थस्थल में महाश्राद्ध करना चाहिए, और ये महाश्राद्ध करने के बाद में हमारे जो पितर है, यानी हमारे जो पूर्वज है जो आज जिंदा नहीं है, वो हमेशा के लिए स्वर्ग में वास करते हैं, इस ढंग की कल्पना है। तो वहां गए एक पंडे के यहां, उन्होंने मुकाम किया, पंडे ने पूजा अर्चा शुरू की। ये पूजा अर्चा शुरू करने के पहले वो एक फूलों का हार सबको पहनाता था, इसको बेड़ी कहते थे, और मंत्र तंत्र के पूजन के बाद में ये बेड़ी तोड़ी जाती थी और आगे पूजा होती थी, जिस कारण सभी के सभी जो पुराने पूर्वज है वो हमेशा के लिए स्वर्ग में स्थान पाएंगे। ये जो महंत था काफी अमीर था, काफी जेवर पहना हुआ था, बहुत ही सुंदर वस्त्र पहना हुआ था, और वो हरेक यजमान को, यजमान यानी जिसके हाथ में जिसकी जिसको वो पूजा करवानी है, जिसके हाथ में अभी बेड़ी डाली गई है, बेड़ी यानी एक फूलों का हार डाला गया है, बांधा गया है, वो यजमान को बार बार बोलता था कि बोलो बोलो कितनी दक्षिणा दोगे। और फिर ये दक्षिणा 100 तक आंकड़ा चढ़ा देता था, और 100 रुपए कबूल करने के बाद भी उनको समाधान नहीं होता था। उन दिनों में 1 रुपया भी बहुत बड़ी कीमत थी, तो 100 रुपए तो बहुत ही बड़ी कीमत थी। दादाजी की बारी आई, दादाजी ये सब तमाशा देख रहे थे।
पहले से ही बहुत संतप्त हो गए थे। उन्होंने शुरुआत में ही कहा कि मैं 2 रुपए से ज्यादा नहीं दूंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं 2 रुपए दूंगा। महंत जी भड़क गए, वो कहने लग गए कि मैं मांगता हूं उतनी दक्षिणा आप नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी बेड़ी नहीं तोड़ूंगा, मंत्र तंत्र नहीं करूंगा, और अगर मैं बेड़ी नहीं तोड़ूंगा तो तुम्हारे सारे के सारे पूर्वज नरक में चले जाएंगे। अब ऐसी धमकी सुनने के बाद में कोई भी धार्मिक व्यक्ति बहुत डर जाता था, लेकिन यह किशोरराव जी के दादाजी थे। जैसे ही ये धमकी ये महंत ने दी, दादाजी ने खुद अपने हाथ का हार तोड़ दिया, वो फूलों का हार तोड़ दिया, फेंक दिया, उठकर खड़े हो गए और चिल्लाकर सबको कहने लगे किसी ने भी 1 रुपए से ज्यादा इस महंत को नहीं देने का, एक भी पैसा ज्यादा नहीं देने का। ये गधा आदमी हमारे सारे पूर्वज नरक में डालता है, सारे पूर्वज नरक में जाएंगे ऐसी धमकी देता है, अब तुझे ही मैं नरक में भेजता हूं, और ऐसा जोर जोर से जो कहने लग गए। ये पहली बार ऐसा हो रहा था, महंतों का इतना डर था सब लोगों के मन में, ये भी डर था कि हमारे पूर्वज सही में नरक में चले जाएंगे, और महंत की पूजा अर्चा में ये सामर्थ्य होता है कि वो स्वर्ग में रहने देगा उसको कि नरक में ले जाएगा। अब ये श्रद्धा का विषय था, और यहां दादाजी सबके सामने उसको गधा कह रहे हैं, 1 रुपए के ऊपर किसी ने नहीं देना चाहिए ऐसा कह रहे हैं, और मैं खुद ही तुझे नरक में भेजूंगा ऐसा कह रहे हैं। तो दादाजी को मानने वाले बहुत सारे लोग उनके साथ में आए थे, वो सब उठकर खड़े हो गए। दादाजी ने कहा खड्डे में गया श्राद्ध, बाकी लोगों ने भी अपना श्राद्ध वहीं छोड़ दिया जो महाश्राद्ध हरेक कर रहे थे, और ये सब लोग उसी महंत के बाड़े में रुके। दादाजी वापिस आए और सब लोगों को निकालकर वहां से ले जाने लगे। महंत गिड़गिड़ाने लगा, पैर छूने लगा, माफी मांगने लगा। केवल वो उस दिन के लिए रुके, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने वो बाड़ा छोड़ दिया। ये प्रसंग बहुत नजदीक से केशवराव जी ने देखा, उनके मन पर इसका गहरा असर हुआ, दोनों प्रकार का असर हुआ। पहला कि ये महंत लोग, ये ब्राह्मण पुजारी लोग किस ढंग से लोगों को लूटते हैं, इसका भी उन्हें बहुत तीव्रतर एहसास हुआ, और इनको निडर होकर सबक सिखाया जा सकता है ये भी अनुभव हुआ, और जिंदगी भर वो इस तरह के ब्राह्मणों का विरोध करते रहे। ये भिक्षुक गिरी का, ये पुरोहितों का कड़ा विरोध करते रहे, इन्हें भगवान के दलाल कहते रहे, और ये दलाली के खिलाफ पूरे जिंदगी भर खड़े हुए। ये उनके जीवन का बहुत बड़ा काम है। जब जब रेफरेंसेस आएंगे तब तक उनके वो प्रसंग उनके जीवन के मैं आपके सामने रखूंगा। उन्होंने जो वैचारिक बातें कही है, अब जितनी केवल उनके ये माझी जीवन गाथा में आते हैं उतनी ही बातें मैं अभी लेने वाला हूं, लेकिन उन्होंने इतने आक्रामक तरीके से विचार रखे हैं कि आपको एक बात मैं बताना चाहता हूं। शिवसेना जब कांग्रेस के साथ में नहीं थी, अभी शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी का महाराष्ट्र में राज्य है, तीनों ने मिलकर सरकार बनाई है हम सब जानते हैं, लेकिन शिवसेना जब विरोधी पक्ष में थी, विरोधी पार्टी में थी, चाहे वो सत्ता में पार्टी में हो यानी भाजपा के साथ में उनकी सत्ता हो, चाहे विरोध में हो, तो कई लोग प्रबोधनकार ठाकरे जी का नाम लेकर शिवसेना पर अटैक करते थे। प्रबोधनकार जी के विचार बताऊं क्या,
लेकिन मैंने इतनी नेताओं के भाषण सुने, लेकिन एक भी नेता प्रबोधनकार ठाकरे जी के विचार कभी विधिमंडल के फ्लोर पर नहीं कहते थे। तो ये कानून के कारण मेरी काफी लोगों से मित्रता हो गई थी। और जब अंधविश्वास के खिलाफ का कानून, जिसको हम जादू टोना विरोधी कानून कहते हैं, ये कानून की लड़ाई 2005 से लेकर तो 2013 तक चली। 2005 में भी काफी बार उस पर चर्चा हुई, बीच में भी 11 में चर्चा हुई, 2005 से लेकर 7 तक चर्चा चलती रही, फिर 7 से 11 तक कुछ नहीं हुआ, फिर 11 में भी चर्चा हुई। तो हर व्यक्ति जो कांग्रेस में है, राष्ट्रवादी में है, या फिर तटस्थ है, शिवसेना का या बीजेपी का नहीं है, ऐसे कई व्यक्ति कई बार प्रबोधनकर ठाकरे का नाम लेकर बोलते थे, लेकिन उनके वाक्य नहीं कहते थे। तो मैंने इन कुछ मित्रों को पूछा कि आप वाक्य के नाम क्यों, वाक्य बोलते क्यों नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे वाक्य निकाल कर देता हूं। बोले काय को यार भलती बात बोलते हो, पैरों पर काय को कुराड़ी में मार लू, मेरे नाम से जिंदगी पर वो वाक्य लिखा जाएगा ना, और प्रबोधनकार ठाकरे छूट जाएंगे और लोग कहेंगे कि ये आमदार ने, ये एमएलए ने, ये अमुक मंत्री ने ऐसा ऐसा बोला। यानी वो वाक्य इतने भयानक होते थे कि वो जिंदगी भर के लिए हमारे साथ चिपक जाएंगे, तो हम चुनकर नहीं आ पाएंगे, इतना डर लगे, ऐसे वाक्य उन्होंने अपने जिंदगी में लिख कर रखे। मैंने तो केवल कल शुरुआत में आपको एक बात कही कि जो मंदिर ढहाने वाले अफजल खान है, औरंगजेब है, ये मुझे पुण्यात्मा लग रहे थे। ये बात को अगर उतना ही वाक्य अलग से किसी ने ले लिया तो इसका मतलब क्या होगा। महाराष्ट्र में अफजल खान ये बहुत बड़ा विलन है, क्योंकि अफजल खान शिवाजी महाराज को मारने वाले थे। शिवाजी महाराज और वो, जैसे ही शिवाजी महाराज उनके बाहों में गए, गड़ा भेंट जिसको कहते हैं, वो गिलेने लग गए, तब वो उनको, वो इतना सशक्त था, इतना ताकतवर था कि इनको दबाकर मारना चाहता था। और शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में वाघनख पहने थे, वाघ यानी शेर, शेर के नाखून पहने थे, और उससे उनका पेट फाड़ दिया और अफजल खान को मार डाला। ये बहुत बड़ी प्रसिद्ध कथा। जिस अफजल खान को पूरा महाराष्ट्र शिवाजी को मानने वाले लोग विलन मानते हैं, उसी अफजल खान का नाम लेकर, औरंगजेब का नाम लेकर, औरंगजेब और अफजल खान, ये दोनों जिन्होंने कई हिंदू मंदिर ढा दिए, ये मुझे पुण्यात्मा लगते हैं, ऐसा कहना कितना भयानक वाक्य हो सकता है। कल मैंने आपके सामने विस्तार से वो बात रखी है, इसलिए फिर से आज मैं रिपीट नहीं करूंगा। इसलिए उनके विचार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत ही आक्रामकता से विचार रखे हैं, उनका भी मैं परिचय आपसे करवाने वाला हूं। उनके जीवन में अस्पृश्यता के क्षेत्र में जो सबक उन्होंने सीखे, उसके कुछ उदाहरण बहुत महत्व के। केशवराव जी के पिताजी है उस परिस्थिति से काफी एडजस्ट हो जाते थे, लेकिन उनके घर में उनकी जो ग्रैंड मदर थी, पिताजी की मां, वो बहुत ही निडर थी, घर में उनकी बहुत चलती थी, अंतिम शब्द उनका होता था, जिसको बय कहा जाता था, और ये बय बहुत प्रोग्रेसिव थी। यानी अचरज की बात है कि इतनी पुरानी स्त्री उस समय में इतनी प्रोग्रेसिव विचारों की थी। रास्ते से जाते समय, स्कूल के दिन है, स्कूल के दिनों में केशव राव एक दिन रास्ते से जा रहे थे, अन्या नाम का एक महार वो नजदीक में आ गया और गलती से उनके साथ में स्पर्श हो गया।
महार ये जाति महाराष्ट्र के बाहर शायद पहचान ही नहीं जाती। महाराष्ट्र के बाहर बिहार जैसे प्रांतों में, कई प्रांतों में, हिंदी प्रांतों में सबसे निचली जाति चमार मानी जाती है, महाराष्ट्र में सबसे निचली जाति महार मानी जाती है। महाराष्ट्र में जो चमार है वो अपने आप को महार से उचले दर्जे के समझते हैं, तो सबसे निचली जाति महाराष्ट्र में महार मानी जाती है। तो ये महार का स्पर्श हुआ। साथ में जो ब्राह्मण लड़के थे वो सब चिल्लाने लगे, अरे ठाकरे पर महार की छाव पड़ी। स्पर्श हुआ नहीं हुआ ऐसी स्थिति थी, लेकिन छाव तो पड़ गई थी क्योंकि बहुत नजदीक से एक दूसरे को वो क्रॉस हुए थे। महार की छाव पड़ी, उसको मत छू। अब कोई भी ब्राह्मण लड़का केशवराव को छूने नहीं रहा, वो उसको चिढ़ाने लगे। केशवराव बहुत छोटे थे, स्कूल में थे, डर गए, घर आए, साथ में ये सब लड़के चिल्लाते चिल्लाते आए, जोर जोर से चिल्लाने लग गए कि इसको महार की छाव के अंदर ये आया था, इस पर महार की सावली पड़ी है, छाव पड़ी है। वो बै को कहने लग गए, यानी दादी जी को कहने लग गए कि इसको जल्दी से नहला और इसको शुद्ध करो। महार की छाव ने इसको अपवित्र बना दिया है। बै ने जैसे ही देखा कि ये सब लड़के केशवराव को चिढ़ाने लग गए हैं, केशवराव डरा है, सहमा है, उसने एक ब्राह्मण लड़के को खींचा, बै ने यानी केशवराव जी के दादी जी ने, और ये ब्राह्मण लड़के को केशवराव के सामने इस ढंग से खड़ा किया कि उसकी छाव केशवराव पर पड़े, और कहने लग गए कि महार की छाव पड़ने से इंसान महार बनता है, तो अब केशव पर महार की नहीं ब्राह्मण की छाव पड़ी है, तो वो ब्राह्मण बन गया, हो गया ना। सब लड़के अचरज से देखने लग गए, और फिर बै उखड़ गई सब पर, कहने लगे ये सब क्या गड़बड़ झाला है, कचरे में सोने वाला, कीचड़ से भरा हुआ गधे को तुम छूते हो, तब कुछ नहीं होता पाप, तब नहीं पाप होता, और इंसान के छाव का पाप होता है। अरे इंसान के छाव से कैसा पाप होगा, बिल्कुल नहाना वगैरह कुछ नहीं होगा, ये सारी बातें फालतू है। अरे स्कूल में यही फालतू बातें तुम सीखते हो। और सब ब्राह्मण लड़कों को उन्होंने बहुत झाप दी और बिल्कुल नहलाया नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। केशवराव को समझा दिया कि इंसान की छाव पड़ने से कुछ भी नहीं होता है, इंसान इंसान होता। वहां पर एक मेजर सुबेदार नाम के मिलिट्री अफसर थे, बड़े पद पर थे, मिलिट्री में रहे थे, रिटायर हुए थे, अब बड़े सरकारी पद पर थे, इसके बावजूद उनको कहीं भी जगह नहीं मिलती थी, इसलिए महारवाड़ा में, यानी महार लोग जहां रहते हैं जिसको महारवाड़ा कहते हैं, वहां पर उन्होंने एक अपना अच्छा घर बनाया था और वहां वो रहते थे। ये बहुत पढ़े लिखे थे, उनकी पत्नी भी पढ़ी लिखी थी, बहुत उत्सुकता थी केशवराव को। अब केशवराव थोड़े बड़े हो गए थे, स्कूल में ही पढ़ रहे थे, लेकिन काफी समझ उनमें आ गई थी, और उनको इतनी उत्सुकता थी कि ये आदमी इंग्लिश में बात करता है, होशियार है, उसकी पत्नी भी होशियार है, और वो घूमते घूमते रास्ते में मिलने के बाद में इसने हाय हेलो की, उन्होंने भी हाय हेलो की, एक दूसरे के साथ में बात करने लग गए, पहचान हुए, पहचान के बाद में हाँ बै के आप नातू हो, यानी बै के ग्रैंडसन हो, बै को सब जानते थे, बै सबको मदद करने के लिए जाती थी, केशवराव की दादी माँ। दूसरी बार भी उनका परिचय हुआ, दूसरी बार भी ऐसी बातें रास्ते में होने लगी,
घर के पास तक पहुंचे। तो ये सुबेदार जी की पत्नी ने कहा कि हम अभी चाय पीने वाले हैं, मैं आपको चाय ऑफर करती लेकिन आप चाय नहीं पियोगे, इसलिए मैं ऑफर नहीं कर सकता। अब आ गया सवाल, सामने की व्यक्ति कह रही है कि मैं चाय ऑफर करती है आपको लेकिन आप चाय पियेंगे नहीं, इसलिए मैं आपको ऑफर नहीं करती। स्कूल में सीखने वाले केशवराव बोल गए एकदम से, क्या बिगड़ा, मैं पीऊंगा आपके यहां चाय। सुबेदार की पत्नी ने कहा कि अगर आप चाय पियोगे तो आपको विटाळ होगा। विटाळ ये मराठी शब्द है, यानी आप अपवित्र बनोगे और फिर आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तब केशवराव बोले, जो होगा सो देखा जाएगा, मैं आपके साथ में आपके घर में बैठकर चाय पीऊंगा। और केशवराव जी ने ये महार के घर एक पढ़े लिखे सरकारी अफसर महार के घर पे चाय पी, जो मेजर सुबेदार थे मिलिट्री में। लेकिन ये बात पूरे पनवेल में फैल गई, सब जगह इसकी चर्चा होने लग गई। कई लोग ठाकरे जी के घर आकर कहने लग गए कि ये क्या है, किस ढंग की बात है, ये लड़के को विटाळ हो गया, इसका शुद्धिकरण करना चाहिए। और तो भी पिताजी कुछ बोल नहीं रहे हैं, चुप रह रहे हैं। ऐसी अवस्था में तीन चार वकील लोग वहां पर आए, और ये तीन चार वकील लोग वहां आकर कहने लग गए बै को, क्योंकि बै घर की प्रमुख थी, उनको कहने लग गए कि ये लड़के ने महार के घर में चाय पी है, उसका शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। और बै ने फिर उसका जो जवाब दिया वो भी प्रबोधनकार ठाकरे जी का जीवन किस ढंग से आगे विकसित हुआ इसकी दिशा दर्शाने वाला। इसमें एक बहुत वकील थे बड़े, जो लोग आए थे उसमें, और ये वकील काफी फेमस थे और रंगेल भी थे। ये रंगेल वकील की तरफ वो देखकर बोले, वो तमाशगिरनी का तमाशा देखने के बजाय, तमाशगीर यानी तमाशा करने वाली स्त्रियां, वो तमाशा करने वाली स्त्रियों का तमाशा देखने के बजाय, शराब पीने के बजाय, सुबेदार जैसे इंसान के यहां चाय पीना अच्छी बात। यानी ये जो लोग थे ऊंची जाति के, अपने आप को समझने वाले, वो तमाशा देखने के लिए जाते थे, शायद हो सके तो तमाशगीर स्त्री के साथ में संबंध भी बनाते थे, क्योंकि ये तमाशा में जो काम करने वाली स्त्रियां होती है उसमें परंपराएं हैं इस ढंग की, रखेल रखने की परंपरा है। दो प्रकार की जातियां होती हैं इनमें, जिन्हें कोलट करनी कहा जाता है। एक जाति होती है उसमें से एक स्त्रिया कई लोगों के साथ में संबंध रख सकती है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, वे अपने आप को बेचती है ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने इच्छा के अनुसार कई लोगों के साथ में संबंध रख सकती है। और उनमें एक जाति है जो अपने आप को ज्यादा प्रतिष्ठित मानती है, वो केवल एक यजमान के साथ में एक समय में संबंध रखती है, वो उसकी पत्नी अपने आप को कहलवाती है, बाकी लोग उसको रखेल कहते हैं। जब वो छोड़ के जाएगा तभी वो दूसरे के साथ में संबंध बनाएगी, लेकिन पहला पति जब तक है, यानी उसका यजमान जब तक है, तब तक वो दूसरे के साथ में संबंध नहीं बनाएगी। तो ये वकील का वैसा कुछ था, तो इसलिए वह उसको कहती है
कि तमाशगीर का तमाशा देखने के बजाय, शराब पीने के बजाय, सूबेदार जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के घर चाय पीना बहुत अच्छी बात है। इंसान ने इंसान के हाथ का चाय पीने से धर्म कैसे डूब सकता है? ये वाक्य बहुत महत्व का है। जो एकदम कम पढ़ी लिखी बूढ़ी औरत केशवराव जी के सामने उस वकील को सुनाती है, इंसान ने इंसान के हाथ का चाय पीने से धर्म कैसे डूब सकता है। और ये आगे चलकर जो केशव राव इतने बड़े क्रांतिकारी समाज सुधारक बने, इसकी नींव ऐसे ऐसे प्रसंगों से पड़ी है। लेकिन ये सुबेदार जी जब घर में आते थे, केशव राव जी के घर में, तब केशव राव जी के घर के जो पुरुष लोग थे उनके पिताजी थे, उनके दादाजी थे, वे नीचे आंगन में कुर्सी देकर सूबेदार जी को बिठाते थे, खुद ऊपर में बैठते थे और दूर से उनसे बात करते थे। ये बात भी बहुत खटकती थी केशव राव जी कि इस इंसान के साथ में ऐसा बर्ताव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो थे मेजर सूबेदार, ये अभी बेंच मैजिस्ट्रेट बने हुए थे, वहां के मैजिस्ट्रेट थे, और उनके साथ में वहां के सभी लोग बहुत बुरा बर्ताव करते थे। यानी उनके हाथ के नीचे काम करने वाले चपरासी हो चाहे क्लर्क्स हो, जब वो आए पहली बार उन्होंने ज्वाइन किया, जो जज की कुर्सी होती है और टेबल होता है उसके नीचे एक कालीन बिछाया हुआ था, दूसरे दिन आते हैं तो कालीन गायब हो चुका था, टेबल कुर्सियां जमीन पर आ चुकी थी, फाइल्स भी जज साहब के सामने रखते थे ऐसे दूर से पटकते थे, अछूतो जैसा व्यवहार करते थे। अब ये मेजर जनरल यानी मेजर सूबेदार रहे हैं, मिलिट्री में रहे, अफसर रहे हैं, उनको इस व्यवहार की आदत नहीं थी, मिलिट्री में ऐसा व्यवहार चलता नहीं था, उनको बहुत अपमानित महसूस होता था। उन्होंने कलेक्टर की तरफ कंप्लेंट की, अंग्रेज कलेक्टर ने सबको नोटिस भेजी, फिर भी इनका रवैया नहीं बदला। अब बाकी सब लोगों का ड्रेस था, उसमें कोट था, कोट पहनकर आना है, और ये लोग घर से यानी जैसे ही ऑफिस से घर जाते थे तो पूरे कपड़े निकालकर धो डालते थे, अपने आप को नहाते, क्योंकि एक महार मैजिस्ट्रेट के कारण वो अपवित्र बन जाते थे, इसलिए उन्होंने कोट न पहनकर आना शुरू किया। फिर ये कोट के बारे में संघर्ष हुआ, जज साहब ने सबको ऑर्डर दी कि कोट के बिना बिल्कुल अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा, कि रोज कोट भी धोना पड़ता था इसलिए वो चिल्लाते थे। और ऐसे अपमानात्मक परिस्थिति में वहां पर ये जज साहब काम करते थे, तो उनके लिए ये केशव राव स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा ऊंची जाति का होकर भी उनके साथ में सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है, बराबरी का व्यवहार करता है, और ये वाक्य उन तक पहुंच भी गया कि इंसान ने इंसान के हाथ का चाय पीने से धर्म कैसे डूब सकता है, तो उनको कम से कम यहां से एक जो प्रतिष्ठा और इज्जत मिलती थी उसका काफी समाधान। तो मित्रों, ऐसी कई बातें उनके जीवन में बचपन में जिनके कारण एक समाज के क्षेत्र में क्रांतिकारक व्यक्ति बन सके, इसकी नींव डाली गई और उसमें उनके दादी का काफी बड़ा हाथ रहा। प्लेग देवी का बंड। 1896 में प्लेग बहुत बड़े पैमाने पर फैला था, पनवेल में भी बड़े पैमाने पर फैला था।
प्लेग आने के बाद में सबसे पहले चूहों पर उसका परिणाम होता है, फिर जांघों में गांठ आती है, बुखार आता है और इंसान मरता है। चूहा ये गजानन का वाहन है, यानी गणपति का वाहन है। और उन्हीं दिनों में पुना के तिलक ने, यानी लोकमान्य तिलक जी ने, सार्वजनिक गणेशोत्सव की शुरुआत की थी। यानी जो गणेश की पूजा घर घर के अंदर होती थी, तो उन्होंने उसको सार्वजनिक स्वरूप दिया। घर के बाहर चौराहों पर गणेश 10 दिन के लिए बैठने लग गए, और उसके बाद में जब ये प्लेग का प्रकोप हुआ तो लोगों ने कैसी कैसी अफवाहें उड़ानी शुरू कर दी। क्या अफवाह फैली? सबसे बड़ी अफवाह ये फैली कि ये जो लोकमान्य तिलक ने गणेश को चौराहों पर लाकर खड़ा किया, इस कारण गणेश जी का कोप हुआ, क्योंकि चौराहे पर कोई भी लोग उनको छूते हैं, कुछ भी करते हैं, और इस प्रकोप के कारण ये प्लेग आया हुआ है। और फिर ये प्लेग दूर करने के लिए एक प्लेग देव का अवतार भी हुआ। पनवेल जैसे छोटे गांव में रोज 40-50 लोग मरने लग गए, लोग बहुत डर गए थे। तब प्लेग पर कोई उपाय नहीं था, केवल इतना उपाय था कि जहां प्लेग का प्रादुर्भाव है उस एरिया को जला डाले, इसके अलावा कोई उपाय नहीं था। तो गांव में एक पीली साड़ी पहने हुए, खुले बाल, पूरे कपाल में कुमकुम लगाया हुआ, आंखें बिल्कुल काजल से भरी हुई, मुंह में पान, देवी जैसा वस्त्र पहने हुई, रेड़े पर बैठकर एक स्त्री आई, जिसे प्लेग की देवी कहा जाता। और ये प्लेग की देवी के साथ में 50-60 लोग है, डमडम बाजा बज रहा है, घूम रही है, उसके साथ में जो भक्तगण है, बोलो बोलो प्लेग देवी का येड़कोट, इस ढंग से गर्जना करते हैं, नारे लगाते हैं। और ये दादाजी के सामने आए। दादाजी के बारे में बहुत लोगों की श्रद्धा थी। दादाजी के शरीर में संचार होता था, केशवराव जी के दादाजी के शरीर में संचार होता था। दादाजी के सामने आने के बाद में किसी दादाजी को बहुत मानने वाले किसी भक्त ने देवी के सामने चिल्लाया, वो अब भिकोबा दोपड़ करके सामना है तेरा, तू भिकोबा दोपड़ करके सामने आई है, अब दिखाओ अपनी शक्ति उनके सामने। आम लोगों की ये धारणा थी कि दादाजी जो है केशवराव जी के, उनके शरीर में संचार होता है, उनके शरीर में देवी आती है, भगवान आता है, उनमें दैवी शक्ति है, काफी लोगों की ये मान्यता थी। और इस मान्यता के आधार पर वो भक्त चिल्लाया, देवी ने सुना, देवी को ये बहुत अप्रतिष्ठा की बात लगी। देवी जोर से चिल्लाई, कौन है भिकोबा, बताओ मुझे, अब इसको मैं सबक सिखाती हूं। लोगों ने बताया तो केशवराव की दादाजी हाथ में खटारा लेकर आंगन की सफाई कर रहे थे, बूढ़े थे। उन्होंने दादाजी की ओर देखा, यानी देवी ने दादाजी की ओर देखा और जोर से चिल्लाकर बोलने लगे, वो बुड्ढा मेरा क्या बिगाड़ेगा। दादाजी ने सुना,
दादाजी जोर से चिल्लाए, चुप, अब ठोकता हूं तुझे। और जोर जोर से उन्होंने अपने हाथ में जिस खटारे से वो आंगन साफ कर रहे थे वो खटारा जोर जोर से जमीन पर पीटने लग गए। और जैसे ही दादाजी जोर से चिल्लाए, चुप, ठोकता हूं मैं तुझे, और उसको ठोकने के बजाय जमीन को ठोकने लग गए, तो रेड़े पर यानी मेल भैंस पर बैठे हुए वो देवी धड़ाम से नीचे गिरी। मैं मर गई ऐसा जोर से चिल्लाने लगी, जमीन पर उल्टी सीधी होने लग गई, डर के मारे बैंड बाजा भी बंद हुआ, सब भक्त एकदम डर गए, चिड़े चुप हो गए। और फिर वो देवी जोर जोर से चिल्लाने लग गई, बैर पड़ती हूं बाबा, मुझे माफ कर दो, मेरे पेट का दर्द सहन नहीं होता। दादाजी ने उससे पूछा, तू देवी है ना, मुझे सब सबक सिखाने वाली है ना, अभी अभी ये ढोंग बनकर गांव छोड़कर जा, नहीं तो मैं तुझे और सबक सिखाऊंगा। और इतने ठाट से घूमने वाली, बैंड बाजा के साथ गांव में प्रवेश करने वाली ये देवी, जाती हूं बाबा लेकिन ये पेट का दर्द रोक, मैं पैर पड़ती हूं तेरे, ऐसे कहने लग गई। दादाजी ने कहा, ठीक है, मुट्ठी भर धूल उठा और खा। देवी ने जमीन पर की धूल उठाई, मुट्ठी भर धूल खाई, कुछ समय वो शांत पड़ी रह गई। और उसके बाद में जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे उन्होंने पूरी तरह से देवी को बजाया, केवल उसको जिंदा छोड़ा, सब उसके ढोल ताशे थे वो फूट डाले, उसके सभी भक्तों को भगाया, और इस तरह उस देवी को बुरी अवस्था में गांव छोड़कर जाना पड़ा। ये प्रसंग बहुत विस्तार से किशोरराव जी ने अपने माझी जीवन गाथा में लिखा है। अब उसमें दिखता है कि उनके उनके दादाजी के प्रति बहुत श्रद्धा है। दादाजी के शरीर में जो संचार होता है वो बहुत आदर पूर्वक लिखते हैं। उनके लेखन में कहीं भी ये ढोंग है या गलत है ऐसा बात नहीं आती। और दूसरी तरफ ये जो औरत है, प्लेग की देवी बनकर आई थी, इसका ढोंग दतुरा कैसा ओपन किया ये भी वो लिखते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी, ये प्रसंग सच है झूठ है, इस क्षेत्र में मेरा काम करने का जो अनुभव उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये प्रसंग सच हो सकता है। ऐसी एक बहुत बड़ी देवी उमरखेड़ की बात है, अभी अभी मैंने संगठन का काम शुरू किया था, 1983-84 की बात होगी, 82 में मैंने काम शुरू किया था, और वहां के कॉलेज के विद्यार्थी मंडल के उद्घाटन के लिए मुझे बुलाया गया था। अब उमरखेड़ नागपुर से काफी दूर है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में है, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट का आखिरी का छोर है मराठवाड़ा को लगकर। कॉलेज के प्रिंसिपल का आग्रह था, लड़के नागपुर में मिलने आ गए थे, इसलिए मैंने उनको डेट दी थी और गया था। जाने के बाद में लड़कों ने आग्रह किया कि आप दूसरे विषय पर न बोलते हुए अंधविश्वास के ही विषय पर बोलिए। बहुत बड़ा कॉलेज था, कॉलेज में व्याख्यान हुआ, और व्याख्यान होने के बाद में सब लड़के कहने लग गए, बहुत प्रभावित हुए और कहने लग गए, गांव में बहुत बड़े बड़े 3 लोग हैं, उनको एक्सपोज किया जाए। मैंने भी कहा कि इतने उत्साह से लड़के हैं तो चलो एक्सपोज करने जाएंगे। पहले ही उसमें एक बहुत फेमस देवी थी, जागृत देवी है, हर प्रकार की मंत्र तंत्र करती है, मंत्र तंत्र से लोगों की करणी से लेकर कई प्रॉब्लम सॉल्व करती है, उसी उसकी ख्याति थी।
वो जहां बैठती थी वहां पर हम सब लोग गए, मेरे साथ में काफी प्राध्यापक लोग भी आए, विद्यार्थी भी काफी आए, विद्यार्थी ने भी काफी आई। जहां पर उसका वो बैठती थी आसन था और आसपास में उसके भक्तगण बैठते थे, वहां जगह इतनी कम थी कि 60-70 लोग बैठ सकते थे, तो प्राध्यापक की संख्या 20 के ऊपर थी। कुछ लड़के, बहुत ही कम लड़के लड़कियां और प्राध्यापक, इतने लोग अब अंदर जा सके, बाकी सब लड़के आसपास खड़े रहे। और देवी का ये मंत्र तंत्र का प्रकार चालू था, मैं उसके सामने बैठा, उसने जैसे ही काम को निपटाया मैंने कहा कि मुझे कुछ सवाल पूछने, और मैंने सवाल पूछने शुरू किए। देवी के ध्यान में आया कि ये अपने भक्त नहीं है, ये आदमी अपना भक्त नहीं है, अपने को उल्टा सीधा करना चाहता। और देवी ने अचानक उसके वहां जो मंत्र तंत्र के साधन थे उसमें नींबू थे काटे हुए, हाथ में कुछ नींबू लिए, गुलाल लिया, हल्दी ली, और अचानक खड़ी होकर एकदम से चिल्ला कर कहने लगी, आता दावते तुला, दावते तुला, और दनादन नाचने लगे। जैसे ही उसने ये शुरुआत की तो पहले 1 मिनट में मैं छोड़कर सब लोग वहां से बाहर हो, मैं अकेला बैठा रहा। उन दिनों में आज जैसा मैं सफेद शर्ट पहनता हूं वैसे ही सफेद शर्ट पहनता था, जीन पैंट नीचे और ऊपर में सफेद शर्ट, मेरा पूरा शर्ट लाल पीला हो गया, चेहरे से लेकर हर जगह लाल पीला नींबू। मैं शांति से बैठा हूं, वो दन दन नाच रही है, मैं केवल बैठा, और वो जोर जोर से कुछ कुछ चिल्ला रही है, बीच बीच में दावते तुला चिल्ला रही है। दावते तुला यानी मैं दिखाती हूं तुझे। 5-7 मिनट बाद वो थक कर बैठ गए। मैंने पूछा बस हो गया, वो बोले हाँ हो गया, बोला बैठ अब ये ढोंग बनकर। तब तक सब लोग भाग गए थे, फिर धीरे धीरे वापस आने लगे। देवी से हमने माफी मांगी, यानी जो देवी अगर मैं थोड़ा भी डर जाता तो शायद डर की अवस्था में वो सजेशन स्वीकार लेता तो मुझ पर बहुत बुरा असर होता। दूसरा एक प्रसंग है इसी के आसपास, एक हाथ दूसरे साल का फर्क होगा। चंद्रकांत शाह नाम के अंतर भारती के एक बड़े लीडर थे पुणे के, वे मुझे उत्तर प्रदेश टीचर्स ट्रेनिंग चल रहा था तो मुझे पूरा उन्होंने 1.5 महीने का समय निकाल कर साथ में चलने के लिए कहा था। मुझे भी बहुत उत्सुकता थी, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, तब दोनों हिस्से उत्तराखंड और यह अलग नहीं हुआ था, एकत्र उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के 1/4 शिक्षकों के ट्रेनिंग चल रहे थे और ये कंटिन्यूअस चल रहे थे, और हर बैच को मुझे अंधविश्वास का विषय समझाना था, बहुत बड़ा चांस था। सरकार के अधिकृत कार्यक्रम में यह हिस्सेदारी निभाना, इसलिए मैं उनके साथ में जा रहा था। हमारे रिजर्वेशन अलग अलग थे, उनकी जगह अलग थी, मेरी जगह अलग थी, एक ही डिब्बे में। तो क्या हो गया कि मैं अपनी जगह पर बैठा था, जैसे ही महाराष्ट्र का एरिया खत्म हो गया बाद में उत्तर प्रदेश का एरिया शुरू हुआ कुछ समय बाद, तो कुछ दो चार एकदम से ताकतवर 6 फुट ऊंचे, उसमें से एक आदमी तो 6-6.5 फुट ऊंचा होगा, एकदम दिगड़ा दगड़ा ऐसे एकदम से घुसे, और वो जगह न होते हुए भी मेरे पास में बैठा, एकदम फटाक से बैठा। वो जिस ढंग से बैठा मुझे मेरे कमर को बहुत लगा,
उन दिनों में मैं बहुत बारीक व्यक्ति था, मुझे बहुत गुस्सा आया, पूछता नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जिस ढंग से बैठा है। तो मैंने बहुत गुस्से से उसकी तरफ देखा, लगातार देखा, शायद 1 मिनट कंटिन्यूअस में देख रहा होगा। बस इतना ही किया और मैं उठकर चला गया, वहां बैठने के लिए जगह नहीं थी, चंद्रकांत जी जहां बैठे हैं वहां चला गया। 8-10 मिनट के बाद में ये जो इतना बड़ा ताकतवर लड़का था, यंग लड़का था, वो एकदम से मुझे ढूंढते ढूंढते आया, कहने लग गया गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। एकदम दयनीय अवस्था, बोलते बोलते एकदम से वो बाथरूम चला गया, टॉयलेट जाकर फिर से आया, फिर से कहने लग गया, बहुत दयनीय अवस्था में था, चेहरा उतरा हुआ था, मुरझाया हुआ था, कह रहा था कि मुझे बार बार कह आ रही लेकिन कह भी बाहर नहीं निकल रही, आपने जो कुछ किया वो वापिस लो। तो मेरे ध्यान में आ गया, मैं एक जमाने में बहुत अंधविश्वासी था इसलिए क्या हो सकता है इसका पूरा पूरी कल्पना थी मुझे। मैंने कहा कि आपको क्या लग रहा है? नहीं, बोले आपने लगातार मेरी आंखों में देखा, आंखों आंखों से आपने मुझे कुछ तो भी किया है, तब से मुझे बहुत उल्टा उल्टी होने की, कय होने की संभावना लग रही है, होती नहीं है, बहुत अस्वस्थ लग रहा है। मैंने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा, रिलैक्स रिलैक्स कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, किसी में मंत्र तंत्र करने की क्षमता नहीं होती है, जादू करने की क्षमता नहीं होती है, मैंने देखा तुम्हारी तरफ, वो सामान्य देखना था, तुम डर गए, तुम्हारे मन में कुछ तो भी घुस गया और उसके कारण ये परिणाम हुआ। ये बात समझाई, उसको थोड़ा रिलैक्स किया तो 5 मिनट बाद एकदम से रिलैक्स हुआ, जो तकलीफ उसको हो रही थी वो निकल गई। फिर आगे जो हमने 5-6 घंटे का आगे का प्रवास किया, तो मेरे बड़े बहुत अच्छे मित्र वो बन गए, और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, उसने फिर वहां मेरा व्याख्यान रखा बाद में। तो ये मेरे जीवन में ही मैंने अनुभव किया है कि ऐसे परिणाम हो सकते हैं। जिस देवी को सब लोग डर रहे थे, उस देवी को डायरेक्टली एक व्यक्ति चैलेंज देता है, बिकोबा धोबड़ा ऊपर के सामने तू जाएगी तो अब बता तू क्या है तेरी शक्ति, तो वहीं से इसकी शुरुआत होगी। यानी पहला सजेशन उसको गया कि ये भीकोबा धोड़पकर नाम का कोई तो भी व्यक्ति है, ये बहुत ताकतवर है, यानी दैवी शक्ति वगैरह इस क्षेत्र में ताकतवर है। जैसा ही वो कहने लग गई कौन भीकोबा बताओ मुझे, उसको मैं सबक सिखाती हूं, तो उसके बाद में ये खटारे से झाड़ू लगाने वाला बुढ़ा आदमी जोर से चिल्लाता है, चोप ठोकता हूं तुझे। ये चिल्लाकर बोलने से वो देवी स्त्री अंदर से डरी हो, और डरने के साथ में उसने अगर ये सजेशन स्वीकार किया कि ये मुझे ठोकेगा, और वो जैसे जैसे अपनी झाड़ू जमीन पर जोर जोर से पटक रहा है, तो हो सकता है कि उसको लगे कि ये जादू से मुझे मार रहा है, क्योंकि वो खुद भी अंधविश्वासी होगी। कई ऐसे ढोंग करने वाले लोग खुद अंधविश्वासी होते, और इस कारण उस पर ये परिणाम हो सकता है, यानी साइकोलॉजिकली ये संभव है। उसके लिए मैंने 2 उदाहरण आपके सामने रखे। वो जो देवी एकदम से फेंक कर जिस ढंग से बर्ताव किया, सब लोग भाग गए उसमें से, तो बाद में कोई कुछ लोग मुझे दिखे भी नहीं, कुछ प्राध्यापक तो पूरी तरह से गायब हो गए। अगर मैं थोड़ा भी अंदर से डर जाता, थोड़ा भी अंधविश्वासी होता, तो शायद मुझ पर भी बहुत बुरा परिणाम उसका होता। तो इस ढंग से साइकोलॉजिकल परिणाम हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे ढंग से मैं जानता हूं। इसलिए ये कहानी तो सच्ची हो सकती है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन अलग होना चाहिए। फिर और एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। ये प्लेग के कारण वहां के जो अंग्रेज ऑफिसर थे, उन्होंने निर्णय लिया कि जहां जहां जिस घर घर में प्लेग हुआ है उस सबको जला डाला जाए,
उस जमाने में दूसरा कोई तरीका तो था नहीं प्लेग से बचने का। ये मैं 19वीं शताब्दी की आखिरी की बात कर रहा हूं, 1896 की बात है। पहला इनोकुलेशन आया है वो 1915 के बाद में, कभी तो भी बाद में आया, इसलिए तब तो संभव नहीं था। बापट नाम की एक बहुत बड़ी हस्ती थी वहां पर, उनका बहुत बड़ा एक बाड़ा था, उसमें कई घर थे, कई लोगों के घर थे, भाड़े से वो देते थे, लोग रहते थे। वहां पर किसी को प्लेग हुआ, ये अंग्रेज ऑफिसर का फरमान छूटा कि ये बाड़े को जला डालो। सब पुलिस आकर खड़ी हो गई, बाड़े को जलाना है, खुद अफसर आएंगे तब बाड़े को जलाएंगे। बापट साहब का इतना बड़ा बाड़ा जलाया जाएगा तो कैसा होगा, बहुत डर गए। उनको याद आई किशोरराव जी के दादाजी की, यानी ये भिकोबा धुड़पकर जो है उनकी, वो दौड़ते दौड़ते उनके पास गए। दादाजी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे बाड़े को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये जो कहा उन्होंने, तब उनके शरीर में संचार हुआ था और संचार होने के बाद में वो खटारा पीट कर बोलने लगे। उनके हाथ में जो झाड़ू था, खराटा था, वो खराटे को पीट कर बोले, कौन तेरे बाड़े को हाथ लगाता है देखता हूं मैं। और बापट साहब निर्धास होकर वापिस गए, वहां पुलिस लगी है, अभी साहब जी आएंगे, ब्रुक साहब उनका नाम था, ये ब्रुक साहब आएंगे और वो आने के बाद में बाड़े को जलाएंगे। दिन डल गया लेकिन ब्रुक साहब आए नहीं, क्योंकि रास्ते में आते वक्त उनका घोड़ा बिदक गया था पुल पर। बिदकने के बाद में वो पूरा का पूरा घोड़ा नीचे गिर गया, घोड़े के साथ में ब्रुक साहब नीचे गिरे। घोड़ा इस ढंग से नीचे गिरा कि अपनी जगह पर मर गया। ब्रुक साहब बचे लेकिन बहुत जख्मी हुए, और इसलिए उस दिन वो बापट का बाड़ा जला नहीं बचा। अब इसके पीछे दादाजी की दैवी शक्ति है, ये मान्यता जो लेखन किया है केशवराव जी यानी प्रबोधनकार जी ठाकरे जी ने, उसमें से ये मान्यता कायम दिखती। यानी दादाजी में कोई दैवी शक्ति थी, ये उनका विश्वास था, ये दिखाई देता। अब इसको हम क्या कहेंगे, ये अवस्था होना स्वाभाविक, क्योंकि कई चीजों का हमें स्पष्टीकरण नहीं होता है, उसकी जानकारी नहीं होती और उन पर हम विश्वास रखते हैं। प्रामाणिक लोग भी उस पर विश्वास रखते हैं। मेरे खुद के जीवन का यह अनुभव रहा है। मैं जब अपनी 10वीं क्लास में पढ़ रहा था, मुझे भूत लगा था, ये भूत मांत्रिक ने उतारा था। उसके बाद में मैं बहुत प्रोग्रेसिव अलग अलग मूवमेंट्स में काम करता था, कम्युनिस्टों के साथ में काम करता था, समाजवादियों के साथ में काम करता था, सर्वोदयी और गांधीवादियों के साथ में काम करता था, कई विज्ञान के क्षेत्र के बड़े बड़े लोग मेरे मित्र थे। लेकिन मेरे जीवन में मेरे ये अनुभव का कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाया था। जो लोग कहते थे कि इस दुनिया में भूत नहीं है, वो भी मेरे जीवन में जो प्रसंग हुआ उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पाते थे। तो ये कुछ क्षेत्र स्पेशलाइजेशन के क्षेत्र है, आम इंसान इनके जवाब नहीं जानता है, इसके परिणाम कैसे होते हैं इसकी जानकारी नहीं होती है, और इसलिए कई बार संयोग से जो बातें होती है, जैसे ज्योतिष में होता है कि ज्योतिष ने कह दिया और कुछ बातें हो गई तो क्रेडिट हम ज्योतिष को देते हैं, झूठी साबित हुई तो ये ज्योतिष को समझता नहीं, दूसरे ज्योतिष को पूछेंगे, ऐसा मानते हैं, जिसे हम लॉ प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो ये लॉ प्रोबेबिलिटी के कारण या सजेशन के कारण जो परिणाम होते हैं उसके बारे में उस समय में इतनी जानकारी नहीं थी, उस समय की छोड़िए,
80 के पहले मैंने किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी थी, जबकि मेरी उम्र 29-30 साल की तब की थी और मैं बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति था, पूरे भारत में घूमता था, भाषण देने के लिए घूमता था, जयप्रकाश नारायण के संगठन के साथ में पूरे देश में मेरा संपर्क निर्माण हो चुका था, लेकिन इन विषय की कोई जानकारी नहीं थी। विद्वानों के क्षेत्र में भी इसकी जानकारी नहीं थी। वो तो एक डॉक्टर अब्राहम कौर नाम का व्यक्ति इस क्षेत्र में जानकारी जुटाने में भिड़ गया, क्योंकि उनके ही खुद के अंधविश्वास थे, वो दूर करना वो चाहते थे। उन्होंने सब ढूंढ ढूंढ के निकाला, बिगॉन गॉडमैन एंड गॉड्स डेमन्स एंड स्पिरिट्स नाम की किताब लिखी, और ये दो किताबें पढ़ने के कारण मुझे मेरे सवालों के जवाब मिले, कई साइंटिफिक क्षेत्र में हुए संशोधनों की जानकारी। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्षेत्र है, इसलिए माझी जीवन गाथा पढ़ते समय ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं कि जिसमें ये ध्यान में आता है। वैसे देखा जाए तो बहुत तार्किक विचार करने वाले केशवराव जी के मन में भी कुछ अंधश्रद्धाएं बच चुकी है, क्योंकि उनके सवालों के जवाब उनको मालूम नहीं थे, समय की मर्यादा थी, और इसलिए ऐसी कुछ चीजें हमें माझी जीवन गाथा में मिलती है। और मैं इसे क्षम्य मानता, क्योंकि ये मैं कई लोगों के जीवन में अनुभव करते रहा कि जो लोग प्रामाणिक है, बहुत तार्किक विचार करते हैं, लेकिन कुछ सवालों का जवाब वो ढूंढ नहीं पाते हैं, इसलिए उनको विश्वास करना पड़ता है। तो मित्रों, ये जो बचपन के जीवन के उनके अनुभव है, थोड़े मिले जुले हैं, लेकिन आगे के जीवन में कोई अंधविश्वास उनके जीवन में बचा नहीं, उनके काम में आगे के जीवन में कहीं अंधविश्वास के लिए जगह बची नहीं। एक उनके आजूबा के शरीर में आता था, संचार होता था, उस पर उनका विश्वास है। आगे चलकर मैंने जैसा कल कहा कि एक पुनर्जन्म का एक केस उनके पास आई थी उनके ही मित्र के बारे में, तो उस पर भी उनका विश्वास दिख रहा है, लेखन में दिखता है। ऐसे कुछ अपवाद मिलते हैं, लेकिन खुद के अनुभव के आधार पर कई प्रकार के वो अंधविश्वास को अपने जीवन से भगा पाए, लोगों के सामने प्रखरता से बुद्धिवादी विचार रख पाए, ये उनका सामर्थ्य। जो सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने बहुत मौल्यवान काम किया, उसमें एक दहेज विरोधी आंदोलन, ये बहुत बड़ा उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, हम तीसरे हिस्से में उसे विस्तार से देखेंगे। अभी हमारे पास 1 घंटा 5 मिनट बचे हैं, 10:30 बजे तक का समय, वो क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए होगा, आप सवाल पूछ सकते हो। ये आवश्यक नहीं कि प्रबोधनकार जी के बारे में ही आपने सवाल पूछना चाहिए, कोई भी सवाल आपके मन में है वो आप पूछ सकते हो। अभी क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे, क्षितिज आप सवाल पूछ सकते हो। यस सर। क्षितिज आप सुन रहे हो? मधुकर कांबळे जी, इनका मुंबई से सवाल है कि प्रबोधनकार ठाकरे जी ने गाड़गे महाराज इनका पूरा इनकी जीवन गाथा या चरित्र लिखा, तो उन्हें वो क्यों जरूरी लगा? मधुकर जी कांबळे मुंबई, इन्होंने सवाल पूछा है कि प्रबोधनकार जी ठाकरे जी ने जो गाड़गे महाराज का चरित्र लिखा वो उनको क्यों जरूरी लगा। सही में ये बात है कि अचरज करने वाली बात है, जैसा मैंने कहा कि प्रबोधनकार जी ठाकरे पूरे महाराष्ट्र में एक विद्वान गृहस्थ माने जाते थे, प्रबोधनकार करकर उनका काफी नाम था, सार्वजनिक क्षेत्र में भी उनका बहुत बड़ा नाम था, सामाजिक कार्यकर्ता करकर नाम था, एक वक्ता करकर नाम था, एक नाटककार करकर नाम था,
और इतना बड़ा विद्वान गृहस्थ, एक गाड़गे महाराज जैसे अनपढ़ व्यक्ति का वो चरित्र लिखते हैं, ये बहुत अचरज की बात है। और यही तो उनकी विशेषता रही। गाड़गे महाराज का जब उनके संबंध आया तो वो गाड़गे महाराज से काफी प्रभावित। अब मेरा भी कभी संबंध नहीं आया गाड़गे महाराज के साथ में, क्योंकि उनका मृत्यु 56 का है, 56 का है, मेरा जन्म 51 का है, तो संबंध आने की कोई गुंजाइश ही नहीं। लेकिन गाड़गे महाराज के बारे में जब सब मैंने पढ़ा, और खास कर मधुकर केचे नाम के एक बहुत बड़े साहित्यिक मित्र थे, जिन्होंने मेरा एक भाषण सुना, मैं अभी बदल चुका था, काफी रैशनल बन चुका था जब पूना का किर्लोस्कर प्रेस ज्वाइन करने के बाद की बात है। मुझे बदलाव मुझ में काफी होने के बाद में एक नागपुर में भाषण दे रहा था और वो सुनने के लिए वहां उपस्थित थे, तो भाषण खत्म होने के बाद में वे आए, मेरा पीठ थपथपाई और बोले, अब बिल्कुल गाड़गे महाराज जैसा तू बोल रहा है। तब मुझे महसूस हुआ कि मैंने गाड़गे महाराज को जानना बहुत आवश्यक है। काफी चीजें तो उनके मुंह से सुनी, बाद में प्रबोधनकार ठाकरे जी का चरित्र पढ़ा। वैसे गोनी दांडेकर, जिनको हम गोनी दा कहते हैं, गोपाल नीलकंठ दांडेकर, ये बहुत बड़े महाराष्ट्र के साहित्यिक है, उन्होंने भी गाड़गे महाराज का चरित्र लिखा। वे भी बहुत बड़े साहित्यिक, जाने पहचाने जाने माने, उन्होंने भी लिखा। डॉक्टर श्रीराम लागू ने गाड़गे बाबा नाम का जो एक फिल्म है, डैडी देशमुख ने जिसको प्रोड्यूस किया है, और राजदत्त नाम के बहुत बड़े डायरेक्टर ने उनको डायरेक्ट किया है, तो डॉक्टर लागू से भी मेरी बात हुई थी इस बारे में। मैंने भी उनको ये सवाल पूछा था कि एक अनपढ़ आदमी इतना रैशनल कैसे हो सकता है, जो एक भी क्लास पढ़ा नहीं है। ज्योतिबा फुले रैशनल कैसे बने समझ सकते हैं, क्योंकि वो अंग्रेजी पढ़ते थे और ब्रिटिश परंपरा में रैशनैलिटी आई, बर्ट्रांड रसेल जैसे कई लोग, तुकड़ो जी महाराज बहुत रैशनल थे, बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखते थे, वो भी समझ में आता है क्योंकि वो पढ़े लिखे थे, काफी इधर उधर का पढ़ते थे। लेकिन गाड़गे महाराज जो स्कूल में ही गए नहीं, कभी पढ़े ही नहीं है, जिनको लिखना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, वो आदमी इतना रैशनल कैसे बना अपने जीवन के अनुभव के आधार पर। डॉक्टर लागू, मैं बहुत जवाब इस सवाल का जवाब ढूंढते गए, लेकिन हमको सवाल का जवाब नहीं मिला, क्योंकि गाड़गे महाराज जिस एरिया में रहते थे वहां तो अंधविश्वास ठूस ठूस कर भरा हुआ था। मेरे ही एरिया में रहते थे, अमरावती डिस्ट्रिक्ट के हैं वो, मैं यवतमाल वर्धा डिस्ट्रिक्ट का, दोनों डिस्ट्रिक्ट अमरावती डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए, बचपन से उस वातावरण को मैं जानता हूं। सब तरफ अंधविश्वास फैला हुआ, और ऐसे वातावरण में जो व्यक्ति पला बढ़ा वो इतना रैशनल बने अपने जीवन में, ये बहुत अचरज की बात है। तो मैं जैसे प्रभावित हुआ, डॉक्टर श्रीराम लागू ने भी एक अनपढ़ व्यक्ति का कैरेक्टर करना स्वीकार किया, क्योंकि वो भी बहुत उनके जीवन से प्रभावित हुए थे। आप तो सभी जानते हैं कि डॉक्टर श्रीराम लागू बहुत रैशनल व्यक्ति थे, भगवान को भी रिटायर करना चाहिए ऐसा डायरेक्टली वो जाहिर तरीके से बोलते थे। ऐसे व्यक्ति एक बाबा का कैरेक्टर करने के लिए तैयार हो जाए, पूरा का पूरा एक फिल्म उसकी ढंग से करे, जबकि उनका काफी नाम था नाट्य और सिनेमा के क्षेत्र में, ऐसे स्थिति में वो तैयार हो गए। वो इसीलिए तैयार हो गए कि वो बहुत प्रभावित। गाड़गे महाराज जैसा एक व्यक्ति, लोग उनको बहुत मानते हैं, बड़े पैमाने पर मानते हैं, लेकिन अपने पैरों पर किसी को माथा नहीं टेकने देते।
अगर कोई उनके चरणों पर माथा टेकने आया तो वो कहेंगे, उसको लठ से मारेंगे, मेरे पैर मत पढ़। अरे पैर ही पढ़ना है तो अपने माता पिता के पैरों पर माथा टेक, भगवान के चरणों पर माथा टेक, मेरे चरणों पर माथा मत टेक, मैं सामान्य इंसान। ये कहने वाले गाड़गे महाराज, लोगों की भगवान की कल्पनाएं सुधारने वाले गाड़गे महाराज, लोगों के अंधविश्वास दूर करने वाले गाड़गे महाराज, अपने सारे जीवन में जिन्होंने कई धर्मशालाएं निर्माण की, बांधी, तीर्थ स्थल पर जो सामान्य व्यक्ति आते हैं उनके अन्न की व्यवस्था की, वो खुद तो गरीब थे, लोगों से एक एक पैसा मांगकर, पैसा जुटा जुटा कर वो काम करते थे, और लोगों के लिए अन्न छत्र निर्माण करते थे, लोगों के लिए खाने का प्रबंध करते थे, रहने का प्रबंध करते थे। केवल तीर्थस्थल पर ऐसा उन्होंने किया ऐसा नहीं है, मुंबई में उन्होंने धर्मशालाएं निर्माण की, लोग हॉस्पिटल में अपने लोगों को सरकारी अस्पताल में लेकर आते हैं, रहने के लिए व्यवस्था नहीं रहती है इसलिए उन्होंने व्यवस्था की। लेकिन अपने सारे जीवन में एक भी मंदिर का निर्माण नहीं किया। वो पंढरपुर जाते थे, चंद्रभागा का, अब कांबळे साहब जी का गांव है पंढरपुर, चंद्रभागा का जो पूरा किनारा है उसको झाड़ू लगाते थे, साफ करते थे, क्योंकि लोग वहीं पर टट्टी कर बैठते थे। और केवल खुद झाड़ू नहीं लगाते थे तो लोगों को आग्रह करते थे, अरे क्या हाथ कमर पर लेकर बैठे हो, वो विठोबा के हाथ तो है अपने कमर पर, तुम भी विठोबा हो क्या, हाथ में झाड़ू लो, चलो मेरे साथ साफ करो। और ये चंद्रभागा का जो तीर है, बैंक है, किनारा है, उसको साफ करवाकर फिर वहां पर कीर्तन करते थे। लेकिन कभी पंढरपुर के मंदिर में जाते हुए किसी ने उनको नहीं देखा। ऐसे गाड़गे महाराज का जीवन जब नजदीक से प्रबोधनकार जी ने देखा तो वे भी बहुत प्रभावित हुए। ये प्रभाव उनके शब्दों में झलकता है, उनका चरित्र पढ़ते समय जो प्रबोधनकार जी ने लिखा है वो प्रभाव उनके मन पर कितना प्रभाव पड़ा इस व्यक्ति का, ये दिखता है। और इसलिए कि एक व्यक्ति है, अनपढ़ है, लेकिन प्रामाणिकता से लोगों के अंधविश्वास दूर करता है, लोगों का काम करता है, लोगों के लिए स्कूल खोलता है, कॉलेजेस खोलता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पैसे इकट्ठा कर हॉस्टल के लिए पैसे मुहैया कराता है, ऐसे व्यक्ति का चरित्र लिखना उनको बहुत आवश्यक लगा। और प्रबोधनकार ठाकरे जी ने गाड़गे महाराज का चरित्र लिखने के कारण गाड़गे महाराज का महत्व भी बहुत बढ़ गया। केवल प्रबोधनकार ठाकरे जी की बात नहीं, खुद डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इतने विद्वान ग्रस्त, कई डिग्रियां उन्होंने हासिल की, एक अनपढ़ व्यक्ति को बहुत सम्मान देते थे गाड़गे महाराज। अब केवल उन्होंने उनके हॉस्टल के लिए पैसे इकट्ठा कर दिए इसलिए तो सम्मान नहीं देते होंगे, गाड़गे अंबेडकर जी को बहुत लोगों ने मदद की, वो उनके साथ में बराबरी से व्यवहार करते थे। तो ये गाड़गे महाराज के काम के कारण प्रभावित होने वाले जो काफी लोग थे उसमें से प्रबोधनकार ठाकरे एक थे। उन्होंने उनका चरित्र लिखकर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। कहीं तो भी एक जगह जब हम गोनी दांडेकर जी का चरित्र पढ़ते हैं गाड़गे महाराज का, तो एक जगह आपको नाम रखने के लिए जगह है, क्योंकि उन्होंने एक प्रसंग ऐसा रखा है वहां पर कि जिसमें से थोड़ा अंधविश्वास को बढ़ावा मिल सकता है।
लेकिन प्रबोधनकार ठाकरे जी के चरित्र में एक भी जगह ऐसा कोई प्रसंग नहीं कि जिसमें अंधविश्वास को बढ़ावा मिल सके। मांझी जीवन गाथा में आपको प्रसंग मिलेंगे ऐसे कि जहां से ऐसा लगता है कि इनके मन में कुछ अंधविश्वास कायम रहे थे, यानी आज की तुलना उस समय ये अंधविश्वास है इसकी कल्पना शायद नहीं होगी, क्योंकि जब जानकारी हमें नहीं होती है तो उसके बारे में बहुत विश्वास के साथ कहना बड़ा कठिन है। मेरे जमाने में हर विज्ञान का विद्यार्थी भी, विज्ञान का प्रोफेसर भी एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऐसा फटाक से कह देता था, यानी ज्योतिष शास्त्र ये विज्ञान है ऐसा कह देता था। तो ये अंधविश्वास हो सकते हैं, लेकिन गाड़गे महाराज के चरित्र को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से न्याय दिया, वो चरित्र पढ़ने लायक। वो बहुत प्रभावित हुए थे, बहुत महत्व दे रहे थे, उनके काम का कंट्रीब्यूशन पूरे महाराष्ट्र में फैलना चाहिए, महाराष्ट्र के जन जन तक पहुंचना चाहिए, इसलिए उन्होंने गाड़गे महाराज का चरित्र लिखा, ये दिख रहा है। आगे का सवाल, क्षितिज आप लाइन पर हो? यस, आप तो फटाक से हवो करके कहते जाओ। हाँ, आगे का सवाल। प्रबोधनकार ठाकरे जी ने ऐसा बोला और लिखा है कि भारत के सभी पुरातन मंदिर जो हैं वो बौद्धों के थे, पर ब्राह्मणों ने उन पर अतिक्रमण करके उसमें काल्पनिक भगवान बिठाए, इस बात में कितना तथ्य है? सिद्धार्थ बच्चा इनके सवाल। प्रबोधनकार ठाकरे जी ने बच्चाओ इनका सवाल है, सिद्धार्थ बच्चाओ इनका सवाल है कि प्रबोधनकार जी ठाकरे इन्होंने ऐसा लिखा है कि भारत में जो भी हिंदू मंदिर है वो सभी बौद्ध और जैन मंदिर थे और ब्राह्मणों ने वहां मूर्तियां बिठाई और उनको हिंदू मंदिर बनाया गया, इसमें कहां तक तथ्य है? जहां तक मैंने पहले प्रबोधनकार जी ठाकरे जी को पढ़ा है और अभी भी पढ़ रहा हूं, बहुत बड़ा साहित्य है उनका, पूरा का पूरा पढ़ना लंबी कसरत है, लेकिन जहां तक मैं पढ़ा हूं वहां ऐसा कोई वाक्य नहीं है कि सभी के सभी मंदिरों के बारे में ऐसा। कुछ मंदिरों के बारे में इस ढंग की चर्चाएं हैं, और मैंने कल पहला जो पार्ट लिया था उस पहले पार्ट में स्पष्ट तरीके से उन्होंने जो अंबा देवी सा नाइटा नाम का लेख लिखा था उसका उल्लेख किया, और उस उल्लेख में शायद अंबा देवी का मंदिर ये बौद्धों ने निर्माण किया या फिर जैनों ने निर्माण किया, किसी ने भी निर्माण किया तो भी वहां अभी हिंदू देवता की मूर्त है, इसलिए वहां हर हिंदू को प्रवेश होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो, किसी जाति का हो, चाहे अस्पृश्य हो, उसको प्रवेश होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। तो कुछ मंदिरों के बारे में ऐसा हुआ है, हुआ होगा, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये बहस बड़ी कठिन बहस है। ये कठिन बहस है इसलिए भी कठिन है क्योंकि जैन और हिंदुओं में तो फर्क करना करीबन भारत में असंभव सा है। ये असंभव सा इसलिए भी है क्योंकि जैन टेम्पल के साथ में हिंदू मंदिर की कई मूर्तियां आपको दिखाई देती है, कई बार कारीगर भी एक हो सकते हैं, एक ही कारीगर ने हिंदू मंदिर भी बनाया जैन मंदिर भी बनाया, जैसे अबू पहाड़ के नजदीक का जो बहुत प्रसिद्ध जैन टेम्पल है, आदिलवाड़ वगैरह ऐसा कुछ तो भी कहा जाता है, थोड़ा नाम के बारे में मैं कंफ्यूज हूं। पहली बार जब मैं वो मंदिर देखने गया तब मैं बहुत, मुझे अचरज लगा क्योंकि उस मंदिर में सभी हिंदू देव देवताओं के शिल्प है,
और वहां का जो गाइड हमें कहानियां सुना रहा था उस शिल्पों के आधार पर, उसमें काफी हिंदू पुराण कथा है। तो जैन टेम्पल और हिंदू टेम्पल कई सामयिक हैं, उनमें फर्क करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सेम बात बौद्ध टेम्पल की। जैसे मैंने भारत के बाहर कुछ बौद्ध टेम्पल देखे, वहां भी ये अनुभव किया। अभी क्या होता है कि महाराष्ट्र में जो व्यक्ति रहते हैं जो मेरे जैसे, उन पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का बहुत प्रभाव होता है। बौद्ध धर्म यानी 100% रैशनल धर्म, इस ढंग का प्रभाव होता है। और जब नेपाल में जाता हूं और हमारे नेपाल का जैसे हिमालय को लगकर दूसरा एक देश है जहां हम फोकट में जा सकते हैं, यानी विदाउट पासपोर्ट वीजा जा सकते हैं, वहां पर भी जो बौद्ध मंदिर है, वहां पर कई हिंदू देव देवताओं के चित्र बौद्ध मंदिर में दिखाई देते हैं, शिल्प दिखाई देते हैं, पुराण कथाएं उसके साथ में जुड़ी हुई है। जब हम सब सुन रहे थे तो सभी प्रकार के अंधविश्वास से भरी हुई पुराण कथाएं वो बुद्ध मंदिर में दिखाई दे रही थी। तो ये सब मिला जुला मंदिर बनाने वाले जो भी शिल्पकार होते थे शायद कॉमन रहते थे। एक ही समय में दोनों तीनों चीजें होती थी, इसलिए ये बुद्ध शिल्प शैली है, इसलिए ये बुद्ध मंदिर होना चाहिए। ये जैन शिल्प शैली है, इसलिए ये जैन मंदिर होना चाहिए और वहां हिंदू मंदिर अभी बिठाए गए हैं। ऐसा निष्कर्ष निकालना काफी अवैज्ञानिक बन जाएगा। इतना बड़ा फर्क बुद्ध शिल्प में, जैन शिल्प में, हिंदू शिल्प में हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये सभी चीजें एक साथ पली बड़ी। जब भारत में बुद्ध धर्म निर्माण हुआ, जैन धर्म निर्माण हुआ, दोनों साथ में चल रहे थे, और उसी समय अपने आप को हिंदू परंपरा का हिस्सा मानने वाले भी साथ में थे। और इतिहास लेखन की परंपरा हमारे यहां न होने के कारण कि यहां पहले बुद्ध मंदिर था, फिर वहां से बुद्ध की मूर्ति हटाकर वहां पर हिंदू मंदिर बनाया गया, ऐसे कोई प्रमाण इतिहास लेखन के आधार पर नहीं मिलते। इसलिए प्रबोधनकार ठाकरे जी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि भारत के सभी जो आज के हिंदू मंदिर हमें दिख रहे हैं वो पहले बुद्ध या जैन मंदिर थे, लेकिन कुछ कुछ उल्लेख वे करते हैं और काफी लोग करते हैं। उसके पीछे का कारण भी ये है कि ये शिल्प को अलग अलग पहचानना बहुत कठिन है। इसमें कुछ तथ्य हो भी सकता है, क्योंकि करीबन बुद्ध धर्म भारत से नामशे यानी गायब हो चुका। मध्य भारत में आपको कहीं भी आगे चलकर बुद्ध धर्म रहा नहीं ये दिख रहा है। आपको नेपाल में बुद्ध धर्म मिलेगा, आसपास के देशों में बुद्ध धर्म मिलेगा, चाइना में मिलेगा, जापान में मिलेगा, जितना भी हिमालय का हिस्सा है वहां बुद्ध मंदिर और बुद्ध का कुछ कई प्रमाण मिलेंगे, लेकिन पूरे भारत में बुद्ध के बहुत बड़े अवशेष नहीं बचे हैं, लोग भी नहीं बचे। ये परिवर्तन तो हुआ है, जैनों के बारे में ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जैन धर्म का एक अलग अस्तित्व कभी बना नहीं, वो हमेशा हिंदू धर्म के परंपरा का एक हिस्सा ही माना गया। हालांकि बुद्ध को भी 10वां अवतार माना गया है, लेकिन भारत में बुद्ध धर्म बचा नहीं, क्योंकि बुद्ध धर्म बहुत क्रांतिकारक था, समतावादी था,
खास करकर चातुर्वर्ण्य के खिलाफ था। बाकी उसमें भी काफी प्रकार के अंधविश्वास और बाकी सब पनपे बाद में, पहले थे या नहीं थे इसके बारे में बहस करने के लिए जगह हो सकती है, ये सब सच्चाई है। लेकिन इसके बारे में हमारे यहाँ इतिहास लेखन की एक सटीक परंपरा न होने के कारण बहुत आत्मविश्वास के साथ, बहुत सटीकता के साथ, साइंटिफिक तरीके से ऐसा है ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, इतना ही मैं कहूंगा। आगे का सवाल। यस, दो तीन लोगों का एक ही विषय से जुड़ा सवाल है। अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है कि सचिन वाजे का जो मामला चल रहा है उसमें विपक्ष ने महाराष्ट्र की सरकार को बहुत घेरा है, तो क्या इससे सरकार गिर सकती है? अजय राउत इनका सवाल है। उसी से जुड़ा सवाल नरेंद्र कुमार इनका है बेंगलोर से, कि परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर है उन्होंने होम मिनिस्टर देशमुख जी पर आरोप लगाए हैं, क्या इसका भी परिणाम सरकार पर होगा? और आरके गर्ग इनका सवाल है, क्या सचिन वाजे जी शिवसेना के वसूली अधिकारी की तरह काम करते थे? किन किन के सवाल है, तीनों के नाम? अजय राउत, नरेंद्र कुमार और आरके गर्ग। अजय राउत, नरेंद्र कुमार और आरके गर्ग, इन तीनों का सवाल है। महाराष्ट्र की जो आज की राजकीय अवस्था है, सचिन वाजे प्रकरण हुआ, मुंबई के कमिश्नर का तबादला हुआ, काफी अलग अलग ढंग की चीजें आ रही सामने, तो उसके आधार पर ये महाराष्ट्र की सरकार टिकेगी पड़ेगी। और ये वसूली अधिकारी थे सचिन वाजे शिवसेना के, थे नहीं थे, इस ढंग का सवाल है। अब इसके बारे में सच्चाई बताना बड़ा मुश्किल, जो सच होगा उसमें से आधा सच हमारे सामने आज नहीं तो कल आएगा, आज थोड़ा बहुत सच बाहर आया है। जो होम मिनिस्ट्री होती है, कोई भी सरकार जो होती है वो होम मिनिस्ट्री के जरिए पैसे इकट्ठा करती है, ये बात तो सच। मेरा पुलिस के साथ में बहुत नजदीक का संबंध आया है, कई सालों से आता रहा है। मैं किससे से शुरुआत करूंगा, ये जो अंजनगांव सुरजी में गुलाब बाबा का जो मैं उल्लेख करता हूं कि वहां पर बहुत बड़ी सभा हुई थी, पुलिस ने कहा था कि ये सभा आप रद्द करो, लोग शपथ लेकर आए थे मेरे हाथ पांव तोड़ने की, उसी सभा में मैंने जाहिर तरीके से कहा था कि ये जो मटका किंग है यहाँ का, उसका नाम लेकर, जो धर्म बचाओ आंदोलन का प्रमुख था और मटका चलाता था, उसका मटका बंद करो कर जाहिर मैंने उस सभा में कहा था, अगर ये कल से मटका पुलिस ने बंद नहीं किया तो मैं पुलिस के खिलाफ आंदोलन शुरू करूंगा। ये 400 पुलिस मेरे सुरक्षा के लिए खड़ी थी, उन्हीं के सामने मैंने ये बात कही थी। दूसरे दिन से पुलिस ने मटका बंद कर दिया और मैं अभी जिस ढंग का वातावरण उस गांव में था उस कारण एक दिन गांव में रुका था, तो एक दिन में कई गांवों से लोग मेरे पास आने लग गए और हमारे यहां ये काम चल रहा है, ऐसा गलत काम चल रहा है, उसको रोको, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कहने लग। तब मुझे वहां के, मैं ये बात कह रहा हूं इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे बहुत अच्छे मित्र बने वो बाद में, वहां के DIG ने मुझे बुला दिया दोनों चीजों के लिए। एक तो वो बहुत चिंतित थे कि क्या होने वाला है, इसके बावजूद बहुत अच्छे ढंग से मैंने सभा हैंडल की, गुलाब बाबा के एक भी आदमी ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं किया, शांति से सब सुना, इसलिए उनको मेरा अभिनंदन भी करना था। लेकिन धीरे से उन्होंने दूसरी बात भी कह डाली। तब जो प्रमुख होते थे 4-5 जिले के पुलिस अधिकारी, वो DIG होते थे, आजकल IG होते हैं, यानी उससे बड़े पद के अधिकारी होते हैं, तब DIG प्रमुख होते थे,
अमरावती डिवीजन के प्रमुख, नागपुर डिवीजन के प्रमुख, डीआईजी, ऐसे। तो मुझसे कहने लगे कि मानव साहब अभी आपके पास तो काफी लोग आ रहे हैं, अब एलआईबी और बाकी सब चीजों से पुलिस को तो पता ही चलते रहता है, हमने आपका सम्मान रखने के लिए अंजनगांव सुरजी और उसके आसपास के मटके बंद कर डाले। अब गांव गांव से लोग आपके पास आएंगे मटके बंद करवाने के लिए और भी काफी चीजों के लिए, तो कृपया इस भानगढ़ में आप मत पड़ो। अभी तक बात डिक्लेयर नहीं हुई लेकिन अभी चुनाव है, आप ही के मित्र मुख्यमंत्री है और हमें पैसे इकट्ठा कर भेजने पड़ते हैं और हमारी सबसे ज्यादा वसूली इसी ढंग के व्यवसाय से होती है। आप एक प्रामाणिक व्यक्ति हो इसलिए मैं आपके सामने सीधी सीधी बात कह रहा हूं, तो कृपया ये मटके बंद करो, ये व्यवसाय बंद करो, ये करो, ये इस झंझट में आप मत पड़िए, हम आपका बहुत ज्यादा सम्मान नहीं रख पाएंगे। अब उनका नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि ये जो चंदा इकट्ठा करने की बात होती है वो गृह मंत्रालय से हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी को मिलती रही है, हर पार्टी को मिलता है, ये तो फैक्ट। चुनाव के लिए जो पैसा आता है उसमें पुलिस से भी हिस्सा आता और इसलिए पुलिस के क्षेत्र में भ्रष्टाचार के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है, ये बहुत गलत चीज है लेकिन ये फैक्ट। ना इसके लिए कोई किसी की सरकार अपवाद थी ना है, तो ये वसूली वगैरह की जो बात है उसमें तथ्य है नहीं है। इतना ही नहीं तो उस परिसर के जो प्रभावी पुढ़ारी लोग होते हैं उनको भी पुलिस से हफ्ता जाता है कि जिनका बहुत महत्व होता है, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी के हो चाहे अपोजिशन के। अगर अपोजिशन का कोई बहुत स्ट्रांग एमएलए वहां पर है जो बहुत मुखर है, विधानसभा में उसके बोलने के कारण काफी फर्क होता है, मंत्री लोग भी उसको बहुत सम्मान देते हैं, तो उसको भी हफ्ता जाता है। वो छोड़िए कई बड़े पत्रकारों को भी हफ्ता जाता है। ये तो मेरे ही समय में जब मैं एक्टिव पत्रकार था उन्हीं दिनों में शुरू हो चुका था, ये तो फैक्ट। अब रहा सवाल कि इसके कारण ये जो सब नाटक किया गया इसमें सचिन बजे के पीछे पॉलिटिकल लीडर्स हो गए नहीं हो गए, जरूरी नहीं है कि हर बात के पीछे पॉलिटिकल लीडर्स की सम्मति होनी चाहिए। एक बार पॉलिटिकल लीडर्स का उनके ऊपर अगर हाथ है एक काम के लिए दो काम के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के कहने पर एक दो काम अगर ये अधिकारी कर देते हैं तो उनको बगैर बताए उनके सम्मति के बिना भी काफी काम करते, केवल उनके पीछे पॉलिटिकल आशीर्वाद है इतनी बात फैलनी आवश्यक होती है, उसके आधार पर काफी चीजें की जा सकती है। और पुलिस में इस ढंग के अलग अलग अधिकारी हमेशा रहे, ऐसे भी अधिकारी रहे हैं जो कभी पॉलिटिकल ये लीडर्स की इच्छाओं के आगे झुके नहीं, कानून के आधार पर ही अपना काम करते गए, और ऐसे भी कई पुलिस अधिकारी हैं कि अपने जीवन के काफी फायदे उठाने के लिए पैसा कमाने के लिए पॉलिटिकल आशीर्वाद चाहते हैं, इसलिए पॉलिटिकल आकाओं के कहने पर कुछ भी करने को तैयार हो, और उसके लिए भी ये सरकार 100% अपवाद होगी ऐसा कहना बड़ा कठिन, या फिर पिछली सरकार अपवाद थी ऐसा कहना भी कठिन। होगा नहीं होगा इसमें बहुत अलग अलग चीजें होती है,
अब रहा सवाल ये सरकार पड़ेगी नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है, अगर ससीन वजह प्रकरण में गृह मंत्री इन्वॉल्व हो गए क्या, तो मुझे नहीं लगता इतनी चिल्लर चीज में गृह मंत्री इन्वॉल्व हो गए। गृह मंत्री आज जो देशमुख जी है, अनिल देशमुख जी, वो कहीं नए नहीं है, कई सालों से मंत्री रहे हैं, मंत्री पद के बाहर भी रहे हैं, लगातार चुनकर आते रहे हैं, अनुभवी है। शरद पवार जी के आशीर्वाद के कारण ही वो गृह मंत्री है, ये उनको पता है। और इतनी ओछी चीज कि अंबानी के वहां जाए, अंबानी के वहां जिलेटिन के कुछ छड़े रखें ताकि अंबानी डर जाए, इतने चिल्लर ये लोग हो नहीं सकते। सीधी सी बात है, शरद पवार जी के डायरेक्ट संबंध होते हैं अंबानी के साथ में, आज नहीं कई सालों से, शरद पवार जी का एक फोन काफी है। अंबानी भी कोई गधा व्यक्ति नहीं है, शरद पवार क्या चीज है वो जानते हैं, जो भी चाहिए शरद पवार जी का फोन गया तो उतनी रकम उन तक पहुंच जाएगी, चुनाव के लिए हो चाहे किसी चीज के लिए। ये ऐसे चिल्लर काम नहीं करते, छड़े रखेंगे, नाटक करेंगे, ये नाटक करने की इनको आवश्यकता ही नहीं है भाई। महाराष्ट्र मुंबई का राज्य उनके हाथ में, जहां हेड ऑफिस है अंबानी का, तो उसके लिए ये चिल्लर काम करने की आवश्यकता ना देशमुख साहब को है ना शरद पवार को, ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। हम पॉलिटिकल लीडर्स को कभी कभी बहुत चिल्लर समझते हैं, इतने चिल्लर वो होते नहीं, उनकी ताकत बहुत बड़ी होती है। अगर अंबानी के नाक में दम करना है तो महाराष्ट्र सरकार आराम से उनके नाक में दम कर सकती है, मुश्किलें खड़ा कर सकती है, इतनी बड़ी पॉलिटिकल ताकत उनके हाथ में होती है। तो ये इसलिए ऐसे चिल्लर काम करने की उनको आवश्यकता नहीं है, जिनको भी पॉलिटिक्स समझता है उनको ये बातें समझ में आती है। इसलिए इस बात के लिए इतने अनुभवी गृह मंत्री ने सम्मति दी होगी और उनका हाथ होगा, ऐसा जो भी मानता है उसको पॉलिटिक्स में का एबीसीडी समझता नहीं, इतना ही उसका मतलब है। हाँ, अगर ये बात आती है कि अंबानी को डायरेक्ट फोन किया और धमकी दी गई है तो ठीक है, फिर उसमें सच्चाई हो सकती है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स इस ढंग से भी कभी काम नहीं करते। वो सीधा उनको निमंत्रण देंगे, चाय के लिए बुलाएंगे या फिर खुद चाय पीने के लिए उनके पास जाएंगे, प्यार से बात करेंगे, और क्या ऐसा भी बोल सकते हैं कि क्या आप हमेशा मोदी को ही केवल मदद करते हो, लेकिन मुंबई में तो रहते हो यार, हमारे तरफ भी थोड़ा ध्यान दो, उधर 10 तो हमारे तरफ 2 का तो ध्यान दो, ये डायरेक्टली बोल सकते हैं। लेकिन धमकी वगैरह देकर ऐसे काम को भी कोई पॉलिटिकल लीडर, इतने बड़े किसी चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो चाहे इतना बड़ा कैपिटलिस्ट हो, उसके लिए नहीं करेंगे, ये बहुत सभ्य लोग होते। ये जो पिक्चर में हम देखते हैं ये पॉलिटिकल लीडर इस ढंग की धमकी दे रहा है वगैरह, ये चिल्लर काम ये बड़े लोग कभी नहीं करते, तो ये अलग तरीका हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। ना देशमुख का उसमें हिस्सा होने की गुंजाइश है, ना पवार जी का हिस्सा होने की गुंजाइश है। पवार जी को तो मैंने बहुत नजदीक से काम करते हुए देखा है, पवार जी के फोन का असर क्या होता है ये भी मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया है। मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री के पास जा रहा हूं, उनको कुछ बातें कह रहा हूं, वो सुन रहे हैं, इस कान से सुन रहे हैं, उस कान से छोड़ रहे हैं। मैं आबा जब थे अरहर पाटिल तब की बात कह रहा हूं, 2008 की बात कह रहा हूं, जब सनातन संस्था ने गडकरी रंगायतन और ठाणे के नाट्य गृह में और वाशी के भावे नाट्य गृह यहां पर जो बॉम्ब स्फोट किए थे, उसके बाद मैं कुछ बातें हमारे गृह मंत्री जी को समझाना चाहता था, समय दिया, सुना, इस कान से सुना, उस कान से छोड़ दिया। मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख, उनसे अकेले में मिलने के लिए समय मांगा,
बुलाया मुझे। अभी अच्छी मित्रता हो गई थी, पहचान अच्छी हो गई थी, जब वे राज्य मंत्री थे तब से उनके साथ में पहचान थी। उनको कहा मुझे अकेले में बात करना है, उनके एक मित्र बैठे हुए थे। नहीं बोले, उनके सामने आप बात करो। बोले नहीं, बहुत बहुत सीरियस बात है, मुझे आपसे अकेले में ही बात करना। बोले नहीं, इन्हीं के सामने बात। मैंने थोड़ी विषय की कल्पना भी उनके सामने रखी, इसके बावजूद उन्होंने अकेले बात करने के लिए इंपॉर्टेंस देना महत्व का नहीं समझा। मैं 15-20 मिनट बैठा रहा, आखिरी में उठ के चले आया। उनके ध्यान में भी आया कि मैं कुछ ना कहते हुए उठ के चला जा रहा हूं, तो बहुत गंभीर बात होनी चाहिए, लेकिन उनको भी सीरियस नहीं लगा। मेरे मित्रों ने कहा कि शरद पवार जी से जाकर मिल। मैं दिल्ली गया। दिल्ली में जो सुबह का समय होता है, जो सबसे मिलते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल समय लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके बावजूद मैंने समय मांगा, शरद पवार जी ने सुबह का समय दिया। अब तुरंत टिकट निकालना था, दिल्ली के टिकट एकदम महंगे हो चुके थे। इसके बावजूद मेरे संगठन का पैसा पहली बार एरोप्लेन टिकट पर खर्च कर कर मैं उनसे मिलने गया। अब वो सुबह का जो समय होता है मिलने का, वो 2-3 मिनट का समय होता है हर एक। मैं खड़े खड़े कुछ बातें कहने लग गया, वो चिढ़ गए एकदम से, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री मंत्री से संबंधित कुछ बातें कह रहा था। वो कहने लग गए कि मुझे लगा कि आप कुछ कृषि का काम लेकर आए हो। मैं भारत का कृषि मंत्री हूं, मैं कोई महाराष्ट्र का गृह मंत्री नहीं हूं और मुख्यमंत्री नहीं हूं, ये काम कैसे आप मेरे पास लेकर आए। मैंने क्या, मुझे इतना समझता नहीं क्या, मैं दिल्ली आया हूं आपसे मिलने के लिए, और काम के बगैर तो मैं कभी आपसे मिलता नहीं। अगर ये काम वहां हो जाता तो मैं अब तक आता ही नहीं। तो हमारी थोड़ी सी, अभी शरद पवार जी के साथ में तो तू तू मैं तो कोई कर नहीं सकता, उस स्वभाव के वो है भी नहीं, लेकिन खड़े खड़े ही हमारी ऐसी बात हो। मैंने कहा ठीक है, आपके पास समय है नहीं है आप तय कीजिए, ये बहुत महत्व की बात है, मैंने लिख कर रखा है और ये चित्रलेखा का अंक भी उनके सामने रखा, और ऐसी बात कर कर मैं बाहर आ गया। काफी मैं निराश हुआ था कि इतने दूर मैं मिलने को आया और शरद पवार जी भी सीरियसली नहीं ले रहे, और मैं खुद तब के जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे वो सुनते नहीं थे, इसलिए डीजी से मिलना चाहता था, डीजी का समय मांगा था, और डीजी मुझे पर्सनली बिल्कुल नहीं जानते थे, वो समय ही नहीं दे रहे थे। मैं बार बार समय मांगता था, वो दे रहे नहीं थे। और शरद पवार जी से मिलकर मैं बाहर आया और 2 घंटे के अंदर मुझे डीजी के बार बार फोन आया। हम एक जगह पर थे जहां अच्छे ढंग से नेटवर्क नहीं था, तो 3-4 डीजी के फोन नंबर के मिस कॉल थे, लैंडलाइन के भी और मोबाइल के, दोनों नंबर मैं पहले लेकर रखा था इसलिए मुझे मालूम था, मेरे पास स्पीड थे इसलिए मुझे पता चला। रॉय, MN रॉय, मैंने फोन लगाया तो वो कहने लग गए मैं दिल्ली आऊ के आपसे मिलने के लिए, शरद पवार जी का फोन आया था, बात बहुत सीरियस है इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता। बोला नहीं नहीं मैं मुंबई आ रहा हूं तब आपसे मिलता, और तब विस्तार से उन्होंने 1-1.5 घंटा देकर मेरी बात सुनी। तो शरद पवार जी हर बात को कितना सीरियसली और बहुत अच्छे ढंग से हैंडल करते हैं ये मुझे मालूम, किस ढंग से करते हैं ये भी मुझे मालूम। तो ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, ये सबसे पहले हमने समझ लेना चाहिए। और इतनी बड़ी बात, कुछ करना है चाहे धमकी देना है, पैसे उगाना है अंबानी से, और वो शरद पवार जी से पूछे बगैर करेंगे, ये तो संभव नहीं। तो इसलिए इसमें देशमुख जी का हाथ हो ये संभावना बहुत कम है, यानी ये जिलेटिन की कांड्या वांड्या रखने के प्रकरण में, छड़े रखने के प्रकरण में की बात कर रहा हूं। अगर कल चल कर ये आया भी कि उसमें देशमुख जी का हाथ है, तो उनको रिसिग्नेशन देना पड़ेगा, जैसे राठौड़ जी को रिसिग्नेशन देना पड़ा,
तो राठौड़ जी को रेसिग्नेशन देना पड़ा, इसलिए गवर्नमेंट पड़ी क्या, गिरी क्या? गवर्नमेंट तब गिर सकती है जब उद्धव जी ठाकरे जी का कोई संबंध हो, मुख्यमंत्री का कोई संबंध, तब तब गवर्नमेंट गिरने का कोई सवाल नहीं। और जब तक शरद पवार जी जैसे व्यक्ति इस गवर्नमेंट के पीछे खड़े हैं तब तक तो ये सरकार गिर नहीं सकती है। ये सरकार गिराने के लिए सब प्रयास कंटिन्यूअस चालू है, चलने वाले हैं, हम जानते। मी पुनः ये इन आ नहीं सके, हाथ में सब कुछ आ चुका था लेकिन मुंह में जो निवाला जा रहा था वो निवाला छीना गया है। तो इस अवस्था में ये प्रयास करना तो कंटिन्यूअस चलने वाला है। और यहां तो बीजेपी की ये विशेषता रही है कि जो सरकार चुन के आती है उसको भी खत्म कर देते हैं, चाहे गोवा हो, आसाम हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान में भी वही प्रयोग हो रहा था, राजस्थान का प्रयोग सफल नहीं हुआ। तो ये बाकी जगह तो इस ढंग का प्रयास करते हैं, और मुंबई तो बहुत महत्व की है, मुंबई आर्थिक राजधानी है इस देश की, इसलिए किसी भी पार्टी के लिए मुंबई का राज बहुत महत्व का है, यानी महाराष्ट्र का राज बहुत महत्व का है, और इसलिए ये प्रयास चलने वाले। लेकिन एक बात आप सुनो, ये प्रयास कितने भी चले तो भी जब तक कोई ऐसी बड़ी गलती उद्धव जी ठाकरे या फिर शरद पवार जी नहीं करते हैं तब तक ये सरकार चलने वाली। और मुझे नहीं लगता कि उद्धव जी ठाकरे इतनी बड़ी कोई गलती कर पाएंगे, वे अलग ढंग के व्यक्ति हैं, उनका टोटल मूड प्रामाणिक है। अब आप पूछोगे कि फिर ये सरकार चलाने के लिए, फिर पक्ष पार्टी चलाने के लिए, ये सब चीजें होते रहती है, इट इज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन उनका टोटल मूड जो है वो एक प्रामाणिक व्यक्ति का है, और वो इस ढंग से कोई बात नहीं करना संभव। और शरद पवार जी भी कुछ बातें सहन नहीं करते हैं, वो चाहे उनके व्यक्ति हो कोई हो, एक हद से ज्यादा उनकी सुरक्षा भी नहीं करते। तो इसलिए आप इसकी चिंता मत कीजिए कि महाराष्ट्र की सरकार इस कारण ढह जाएगी और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन इस कारण लगाया जाएगा। एनआईए का यूज जो होता है वो तो फर्स्ट हैंड हमको मालूम है। हेमंत जी करकरे, इन्होंने जिन लोगों को बॉम्बस्फोट के लिए जेल में ठूसा था, एनआईए गठित हुई और एनआईए ने उस व्यक्ति को मुक्त किया। और जो भी व्यक्ति महाराष्ट्र में हेमंत जी करकरे को जानता है वो आपको आंख मूंद कर कहेगा कि हेमंत जी करकरे कभी भी प्रोफेशनल गलती नहीं कर सकते हैं। किसी को जानबूझकर और इतने बड़े अपराध में एंटेंगल नहीं कर सकते। और वही व्यक्ति फिर आगे चलकर एमपी बनी है, उसको एनआईए ने मुक्त किया और तब के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जाहिर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझ पर ये देवेंद्र फडणवीस की सरकार के समय में ये दबाव आ रहा है कि इसको मुक्त किया जाए और ये मुझे मान्य नहीं, इसलिए उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। ये तो जाहिर बात है हमारे साथ। दूसरा उदाहरण मुझे मालूम है गोवा, वो तो फर्स्ट हैंड मालूम है मुझे। गोवा में जब स्कूटर बॉम्ब स्फोट हुआ उसमें सनातन के दो लोग मारे गए और उसके बाद में वहां के एक मंत्री ने
धमकी दी कि गोवा की सरकार मैं गिराऊंगा अगर आप सनातन पर एक्शन लोगे तो। और वहां के तब के मुख्यमंत्री डर गए और उन्होंने एक्शन लेना ठीक नहीं समझा और वो केस को दबा दी और वो केस को एनआईए को देगी। एनआईए ने कुछ भी नहीं किया, ये तो मेरा फर्स्ट हैंड अनुभव। वहां के गृह मंत्री जी ने मुझसे कहा था कि ये केस आप महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के तरफ मंगवाइए, मैं सब फाइल्स भेजता हूं। मैंने आबा जी के, आबा यानी आरआर पाटिल के कान पर भी ये बात डाली। तब मेरी गलती हुई कि मैं शरद पवार जी से नहीं मिला, तब शायद शरद पवार जी से मिला होता तो उसमें से कुछ निर्माण हुआ होता। तो इसलिए एनआईए केवल किस ढंग से काम करती है, कहां तक विश्वसनीय है, इसके बारे में हम सभी ने बहुत अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। आज जो भी केंद्र की संस्थाएं हैं, सीबीआई का क्या हुआ, जो केस हुई बीच में, एक सिने आर्टिस्ट ने अपनी आत्महत्या की, 3 महीने 4 महीने लगातार टीवी और क्या क्या चला, 100% उसका मर्डर ही हुआ है, उसके लिए सीबीआई आई, बड़ा पॉलिटिक्स चला, सीबीआई ने रोज नई नई अफवाहें छोड़ी, अंतिम निर्णय क्या निकला, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, चाहे ऐसी कुछ संस्थाएं हो, इनकी विश्वसनीयता अभी इतनी नहीं बची है कि महाराष्ट्र पुलिस से उनकी विश्वसनीयता ज्यादा है ऐसा हम कह सकें। इसलिए ये सरकार गिरने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। मैंने ये बात पहले भी कही थी, अभी भी कही है, इसलिए भी नहीं है कि जब तक कांग्रेस में या राष्ट्रवादी में या शिवसेना में 2/3 MLA अलग नहीं होते, 2/3, 2/3, तब तक ये सरकार गिरने की गुंजाइश नहीं। शिवसेना में 2/3 अलग होना असंभव है, राष्ट्रवादी में तो बिल्कुल सोच ही नहीं सकते हैं, कांग्रेस में ये हो सकने की संभावना है ऐसा कई लोगों को लगता है, लेकिन कांग्रेस वालों ने बीच के बीजेपी के राज में इतना भुगता है कि उनकी हिम्मत नहीं है उस ढंग से बर्ताव करने की, करेंगे तो परमानेंटली मिट जाएंगे, उनको पता है। और कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपना पॉलिटिकल भविष्य हमेशा के लिए खत्म करना नहीं चाहता, तो इसलिए एक हाथ दूसरा फूट सकता है, इधर उधर हो सकता है, लेकिन इतनी बड़ी गलती होगी और महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होगा यह संभव नहीं। मेरे एक माजी मंत्री मित्र ने मुझसे कहा था जुलाई में कि अगस्त में हमारी सरकार आ रही, अभी उसको काफी महीने हो गए, 6 महीने हो गए, उनके पास में सब हिसाब थे, नाम भी थे, मैंने भी नाम नहीं पूछे कि कौन कौन MLA आपके साथ में आ रहे हैं, बीजेपी के साथ में आ रहे हैं, लेकिन तब मैंने कहा था, जबकि वो मंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, कि ये जो सरकार है शरद पवार ने जो निर्माण की है, ये सरकार गिरने वाली है। आपको अगर बीजेपी की सरकार लानी है तो एक ही तरीका है, शरद पवार जी को पटाइए, और शरद पवार जी आपको पटने वाले नहीं, क्योंकि पहले ही आपने ऑफर दी थी और उन्होंने नकार दी। और शरद पवार जी ने अपने जीवन में बहुत भुगता है, एक गलती उनके लिए जिंदगी भर के लिए बड़ी गलती साबित हुई। उन्होंने कांग्रेस के बसंत दादा पाटिल की गवर्नमेंट थी तब जो किया, तब आज तक उनके परिणाम वो धो नहीं पाए, तो ये गलती वो अपने जीवन के आखिरी के दिनों में दोहराने वाले नहीं।
और इसलिए शरद पवार को आप पटा नहीं सकते हो, और जब तक शरद पवार जी है तब तक ये सरकार बनी रहेगी। ये जो छुटपुट चीजें होती है ज्यादा से ज्यादा उसमें से, और एखादे मंत्री को राजीनामा देना पड़ेगा, रिसिग्नेशन देना पड़ेगा, यहां तक ही बात सीमित रहेगी, इससे आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि ये जिलेटिन रखने के प्रकरण में उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार या फिर देशमुख जैसे व्यक्ति उसमें सहभागी हो, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। आगे का सवाल। यस सर, आजकल राजनीति में चुनाव के पहले मंदिर में जाते हैं लोग और उसकी पब्लिसिटी भी की जाती है। अब जैसे ममता बनर्जी ने कहा कि मैं हिंदू नहीं ब्राह्मण भी हूं या ब्राह्मण हूं, इस तरह की बातें जो राजनीति में बढ़ रही है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और ऐसी बातें बढ़ती रहेंगी तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका क्या होगा? अजय राउत, इनका सवाल। अजय राउत, इनका सवाल है कि ये जो लोग चुनाव नजदीक आने के बाद में मंदिर मंदिर का दर्शन करते हैं, अभी ममता दीदी ने भी ऐसा ही किया, ममता दीदी ने केवल मैं हिंदू हूं नहीं कहा तो मैं ब्राह्मण हूं ये भी कहा, तो राजनीति में ऐसा क्यों होता है, नंबर एक। और नंबर दो, ऐसा होते रहेगा फिर इस देश की धर्मनिरपेक्षता का क्या होगा? आपका सवाल तो बिल्कुल वाजिब है, महत्व का है। ये देश धर्मनिरपेक्ष है, इस देश में ये कानून भी है कि चुनाव में आपने धर्म का आधार नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रयोग बार बार होता है। हालांकि इस देश की नींव जिन लोगों ने रखी, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वल्लभ भाई पटेल हो, ये जो स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की नींव रखी, ये सभी पूरी तरह से 100% हिंदू होने के बावजूद धर्मनिरपेक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने जीवन में ऐसा काम कभी नहीं किया, वे पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष रहे। जवाहरलाल जी कई जगह जाते थे, मंदिरों को विजिट भी करते थे, मस्जिदों को विजिट करते थे, लेकिन कभी उसका प्रचार प्रसार नहीं करते थे। प्रधानमंत्री कर जाकर वो विजिट कर रहे ऐसा स्वरूप उसको कभी नहीं था, और चुनाव के समय तो ये सवाल ही नहीं था। ये तो वो आदमी है कि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी का आग्रह था कि हिंदू कोड बिल सम्मत होना चाहिए और लोकसभा के कांग्रेस के ही कई लीडर्स उसके बहुत खिलाफ थे, और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हिंदू कोड बिल को समर्थन नहीं प्राप्त कर पाए, तो उन्होंने जाहिर तरीके से चुनाव में मैं हिंदू कोड बिल लाने वाला हूं, मुझे चुन कर दीजिए, ये मुद्दे को मुखर बनाकर चुनाव लड़ा, जीते और फिर हिंदू कोड बिल के चार हिस्से कर उसको सम्मत करवा लिया। यानी बाबा साहब जी का जो आग्रह था उन्होंने वो पूरा किया, और उसके खिलाफ चुनाव में शंकराचार्य से लेकर सब खिलाफ खड़े हो गए थे क्योंकि वो हिंदू कोड बिल लाने वाले, हिंदुओं पर अन्याय करने वाले है करके। ये इस देश की नींव रखने की परंपरा थी। गांधी अपने आप को सनातन हिंदू कहते थे, लेकिन उनके विचारों में, आचार में कहीं भी आप देखेंगे तो सर्वधर्म समभाव था, सेक्युलरिटी थी। सेम थिंग वल्लभ भाई में थी। वल्लभ भाई ज्यादा मुखर हिंदू थे,
लेकिन उनके बर्ताव में, आचरण में ही सेकुलरिटी थी। आगे चलकर थोड़ी ये परंपरा खंडित हुई। इंदिरा गांधी जी, अब उनके आंतरिक विश्वास के कारण हो चाहे कुछ हो, प्रधानमंत्री मंदिरों में जा रहे हैं, बाबाओं के दर्शन कर रहे हैं, ये चित्र सामने आया। फिर उसको बदलने का काफी प्रयास राजीव गांधी जी ने किया। राजीव गांधी जी का जो छोटा सा रेजिम रहा है उसमें उन्होंने ये चीजों को बढ़ावा नहीं दिया। नागपुर का किस्सा तो मेरे साथ में है, मैं पत्रकार गैलरी में तब बैठा था, चुनावी सभा थी राजीव गांधी जी, हमारे विदर्भ के एक बहुत बड़े मंत्री रह चुके राजनेता राजीव गांधी जैसे ही आए, सभा शुरू करने के पहले हार तुरे हुए, तब खड़े हुए माइक पर बोले कि यहां गुलाब बाबा आए हैं, गुलाब बाबा राजीव गांधी जी को आशीर्वाद देना चाहते हैं, और गुलाब बाबा जी का ये नारियल है। ना वो नारियल स्वीकारा राजीव गांधी ने, ना गुलाब बाबा को ऊपर आने दिया। ये तो मैंने अपने आंखों से देखा। लेकिन आगे धीरे धीरे पूरा हमारा पॉलिटिक्स इन चीजों को महत्व देने लगा। पॉलिटिक्स के लीडर इजीली चुनकर आना चाहते हैं, इसलिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, बाबाओं का आशीर्वाद लेते हैं, मंदिरों का दर्शन करते हैं, मंदिर मस्जिद चर्चेस गुरुद्वारे इनका दर्शन इसलिए करते हैं कि उन आस्थाओं के लोगों ने उनको वोट्स देने चाहिए। अपवाद है केवल एक व्यक्ति का, शरद पवार। इतने सालों में उन्होंने ये काम कभी नहीं किया, और इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए, ये आसान बात नहीं है। जब आप आपके आसपास के सब माहौल में ये इस ढंग का माहौल है, और उस माहौल में कोई व्यक्ति अड़िग रहता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अड़िग रहे थे, वैसे शरद पवार जी अपने पूरे जीवन में कभी भी इस काम के लिए धर्म का उपयोग नहीं करते हैं, मंदिरों का उपयोग नहीं करते हैं, बाबाओं का भी उपयोग नहीं करते। इस बाबा का आशीर्वाद लिया, उस बाबा का आशीर्वाद लिया, ऐसा कभी नहीं करते। इसलिए मैं उनकी हमेशा बहुत तारीफ करता हूं। पॉलिटिक्स में ये बहुत डिफिकल्ट है, ये मैं जानता हूं, और इसलिए और ज्यादा तारीफ करने की इच्छा होती है। राहुल जी से अपेक्षा, अब राहुल जी नेहरू जी के भी पड़पोते हैं और इंदिरा जी के भी पोते हैं, तो मेरे जैसे व्यक्ति की ये स्वाभाविक अपेक्षा है कि उन्होंने नेहरू जी के कदम पर कदम रखना चाहिए। लेकिन बीच में वो मंदिरों में क्या गए, खुद को अपने आप को ब्राह्मण क्या कहा, उसी लाइन पर अब ममता जी जा रही है। ममता जी की कोई रैशनल इमेज तो पहले से थे नहीं, यानी ममता जी के लिए यह कोई बहुत विरोधाभासी कदम नहीं रहा, आज तक उनको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। आज इसलिए पड़ रही है क्योंकि हिंदू हिंदू हो रहा है, जो बीजेपी का पूरा पॉलिटिक्स है बंगाल में, उन्होंने हिंदुओं को हिंदुओं के नाम पर जो आवाहन किया उसको काटने के लिए ममता ने मैं भी हिंदू, और वैसे ममता बहुत श्रद्धावान व्यक्ति है, पहले से काली माता उसकी पूजा उसमें उनका शरीक होना, ये पहले से मुख्यमंत्री कर चर्चा का विषय कभी बना नहीं, क्योंकि वो कॉमन बात है वहां पर, पहले से ममता जी करते आई हैं, अभी भी करती है, इतना ही उसको स्वरूप था। अब पहली बार उसको एक पॉलिटिकल महत्व दिया जाने लगा है। ममता के जीवन में कहीं जाति व्यवस्था नहीं होती है, जितना भी हम जानते हैं ममता दीदी को, जाति व्यवस्था के लिए उनके यहां कोई स्थान नहीं।
लेकिन उनके मुंह से अगर निकलता है कि मैं ब्राह्मण हूं तो यह बहुत खतरनाक है, इसकी आवश्यकता नहीं थी ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन हम जैसे व्यक्तियों को चुनाव नहीं लड़ने हैं इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन अफोर्ड, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स के लिए बड़ा कठिन होगा। मैंने उदाहरण दिया आज नितिन जी गडकरी जी का, उन्होंने कहा कि श्यामराव सब लोग जात देखकर पॉलिटिक्स करते हैं, केवल अपवाद बाला साहब ठाकरे जी का, केवल बाला साहब ठाकरे जात न देखते हुए अपने कैंडिडेट्स भी तय करते हैं और उनको अपने संगठन में महत्व देना नहीं देना उसके साथ में जात का कोई संबंध नहीं होता, ये वास्तविकता है। यानी जात को और धर्म को महत्व देकर पॉलिटिक्स में चुनाव जीतने की प्रक्रिया कई सालों से हमारे देश में शुरू है। इस सबके खिलाफ खड़े होकर टिके रहने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है, जैसी शरद पवार जी में है वैसी, और ये वास्तविकता है। और इससे देश का भी नुकसान होता है, देश के सेक्युलरिटी का भी नुकसान होता है। जब पॉलिटिक्स में धर्म हावी हो जाएगा तो भारत में लोकतंत्र बचना फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और हम उस दिशा में आज जा रहे, इसलिए ये चिंता का विषय। इसलिए आपने जो चिंता जाहिर की वो जायज है, चाहे राहुल गांधी हो चाहे ममता दीदी हो, इन्होंने कम से कम उन्हीं हथकंडों का आसरा नहीं लेना चाहिए जिसके बलबूते पर आज बीजेपी इस देश पर शासन कर रही है। उससे तो हमारा देश गलत दिशा में जाएगा। अगर ये हिंदू देश बनेगा तो फिर ब्राह्मणों का क्या होगा, दलितों का क्या होगा, वर्ण वर्चस्व का क्या होगा, जिसके खिलाफ ये लड़ाइयां लड़ते आए हैं, गांधी जी से लेकर सब लोग लड़ते आए हैं। इस देश का स्वतंत्रता आंदोलन केवल अंग्रेजों को हकालने के लिए था नहीं, इस देश का चातुर्वर्ण्य हकालने के लिए भी था, जिसमें लोकमान्य तिलक भी शरीक थे, जबकि लोकमान्य तिलक के विचारों में कई ऐसे विरोधाभास रहे। इसके बावजूद तेला तांबोळ्याचे पुढारी ये विशेषण उन्होंने प्राप्त किया था ब्राह्मण पुढारी होने के बावजूद, पहली बार कांग्रेस का एक चरित्र बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, और गांधी आने के बाद तो पूरी तरह से बदल गई कांग्रेस। तो ये चातुर्वर्ण्य के खिलाफ की लड़ाई थी, अस्पृश्यता के खिलाफ की लड़ाई थी, ये इतिहास है हमारे देश का, उसी में से ये देश निर्माण हुआ। तो ये हिंदू देश बनेगा तो फिर ये चातुर्वर्ण्य का क्या होगा, ये कायम रहेगा नहीं रहेगा, इसको बल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, कोई यानी जिन्होंने बोलना चाहिए वो बोलने के लिए तैयार नहीं, इसलिए ये भयानक चीज होने वाली है। हिंदुत्व और चातुर्वर्ण्य अलग करने का काम केवल सावरकर जी ने किया था, ये काम आज के राज्यकर्ताओं ने नहीं किया, और इसलिए उनके बारे में डाउट हमेशा रहने वाला है। इस वातावरण में आप कहते हो गंभीर चीज है, देश के लिए बहुत घातक भी चीज है। हाँ क्षितिज, आगे का एक सवाल ले सकते हैं हम। यस, प्रबोधनकार ठाकरे जी की ऐसी कोई किताब क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं जो सभी ने पढ़ने चाहिए, एक किताब या ज्यादा भी किताबें हो सकती है। हिरय बंसोड़ इनका सवाल। नाव का हिरय क्या है, हिरय बंसोड़, गिरय बंसोड़ जी। गिरय बंसोड़ जी, इनका सवाल ऐसा है कि प्रबोधनकार जी ठाकरे इनकी जो किताबें हैं उसमें से ऐसी कौन सी किताब है कि जो हरेक ने पढ़नी चाहिए। मुखर्जी ने एक किताब लिखी थी जिनका भाषांतर किया है प्रबोधनकार जी ठाकरे जी ने, उस भाषांतर का नाम है हिंदू जनांचा ह्रास आणि अधपात।
ये हर भारतीय ने ये किताब पढ़नी चाहिए। जिसको जिसको भारत समझना है उस हर व्यक्ति ने ये किताब पढ़नी चाहिए। यानी प्रबोधनकार ठाकरे जी को बहुत अच्छे ढंग से इंग्लिश आती थी, कोई सवाल नहीं था, इंग्लिश में लिखते भी बहुत अच्छे थे। इसके बावजूद उनका भाषांतर उनको मराठी में करने की आवश्यकता लगी। इतने महत्व की ये किताब है। उनका जो खुद का माझी जीवन गाथा पढ़ने लायक है, उसमें से उनका जीवन भी समझता है और उनका चरित्र के साथ में विचारों की धारणा भी समझ में आती है। लेकिन जो उनकी खास किताबें हैं, सबसे ज्यादा चर्चित किताब है देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळ। इसमें ब्राह्मण्य और हिंदुओं के अंधविश्वास, मंदिरों के अंधविश्वास, इस पर का भी गंभीर आलोचना हर एक ने पढ़नी चाहिए और मेरा आग्रह है कि हर शिव सैनिक ने तो पढ़नी ही चाहिए। फिर भिक्षुकशाही चे बंड है दूसरी किताब। यानी मैं पहली किताब वैचारिक जो पढ़नी है देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळ, उसके बाद में भिक्षुकशाही चे बंड, ये भी बहुत पढ़ने लायक किताब है। और दगलबाज शिवाजी, शिवाजी को थोड़ा अलग ढंग से समझने के लिए इस किताब की बहुत मदद होगी। तो ये कम से कम दो किताबें, देवळाचा धर्म, धर्माची देवळ, भिक्षुकशाहीचे बंड, फिर शनि महात्म्य भी है जो काफी चीजें हमको अलग ढंग से बताता है। शेतकऱ्यांचे स्वराज्य ये भी बहुत सुंदर किताब है। इसमें किसानों के बारे में भी बहुत महत्व की बातें कही गई है। वैसे देखा जाए तो इनकी हर किताब पढ़ने लायक है। नाटक छोड़ दिए हमने तो भी गाड़गे बाबा तो बहुत पढ़ने लायक है ही। गाड़गे बाबा को समझने के लिए भी और उसमें से हमको प्रबोधनकार का भी दृष्टिकोण समझ में आता है। तो ये कुछ किताबें हैं जो हमने पढ़नी चाहिए। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, देवळाचा धर्म आणि धर्माची देवळ, भिक्षुकशाहीचे बंड, शनि महात्म्य और संत गाडगे बाबा, और भाषांतर कर हिंदू जनांचा रास आणि अधपात, ये किताब तो हर हिंदू जो जन्म लेता है हिंदू कर उस व्यक्ति ने पढ़नी चाहिए। तो मित्रों अभी 10:30 बज गए हैं, अभी यहां हम रुकने वाले हैं। कल पत्रकारिता एक मिशन इस विषय पर मुलाकात है। 3 पत्रकार विकास झाड़े, प्राची और पंकज वंजारे ये मुलाकात लेने वाले हैं। उस समय आप भी, श्रोतागण भी सवाल पूछ सकेंगे। कल रात को 8 बजे से 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, कल रविवार को। जिन लोगों ने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, Facebook पेज को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेहतर इंसान बनने की प्रक्रिया का ये हिस्सा बनिए। अभी यहां रुकते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, धन्यवाद।